हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत ही खुश और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हैं कहते हैं मैम रोज एक ही बात बोलते हो कि मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कहते हैं कि कुछ बातों को बार बार यदि रिपीट किया जाए तो वो याद हो जाती है चीजें है ना तो आप बार बार यही शब्द आपके कानों में गूंजेंगे तो आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे ना इसीलिए हम बार बार कहते हैं आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे अब, अब मैं ये नहीं कहूंगी अब मैं कहूंगी कर रहे हैं राइट right? क्योंकि मुझे पता है आप सब बच्चे जब एक साथ लाइव आकर मेरे साथ जुड़ते हैं तो ये विश्वास हो जाता है कि सच में आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं पूनम प्रजापत रसायन विज्ञान की कक्षा ग्यारहवीं में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ आप सब अच्छे हैं बिल्कुल अच्छे हैं कल एक बच्चे ने कहा था मैम हम अच्छे हैं बच्चे अच्छे होते हैं तभी तो अच्छे से पढ़ाई करते हैं बिल्कुल आप अच्छे हैं इसीलिए तो मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं सही कहा है बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब आज अपन क्या करने वाले है? एक नए चैप्टर की शुरुआत अपने दो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं ग्यारहवीं कक्षा के दो टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं थोड़ा ध्यान से है ना जो चीजें हमने पढ़ ली है वो बिल्कुल आपकी कहते हैं ना पिन पॉइंट क्लियर होनी चाहिए उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ये इधर रह गया छुट गया नो no. मैंने टॉपिक टू टॉपिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है तो आपसे मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपने वो नोट्स बनाकर वैसे ही अपने नोट्स को आप पढ़ रहे हैं क्लियर अभी मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्या किया सेकंड में क्या पढ़ाया है और फिर हम थर्ड th चैप्टर में क्या पढ़ेंगे वो सबको कोरिलेट करते हुए आपको यहाँ तक लेके आऊंगी तो उसके लिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए सभी बच्चों को क्लास को शेयर कर दीजिए चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दो ताकि सभी बच्चे इन चीजों को जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी इन चीजों को पढ़ सके समझ सके और जो उन्होंने भविष्य में सोचा है वो टारगेट पूरा कर सके बेटा है ना कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करो हमेशा जोड़ने का जो व्यक्ति सोचता है वो व्यक्ति अपनी आप अपनी सफलता को प्राप्त कर लेता है राइट right? तो जल्द जल्द शेयर करो जल्दी से जल्दी करो फटाफट तब तक मैं क्लास में आज जो पढ़ाने वाली उस टॉपिक या यूं कहूं उस चैप्टर तक आ जाती हूँ तो फटाफट सुनोगे सब बच्चे ध्यान से और सुनने के साथ साथ कॉपी पेन को भी हाथ में उठा लेंगे भाई जरूरी है बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था क्या रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, राइट वहां से शुरू हुई थी हमारी ये जर्नी केमिस्ट्री की राइट वहां हमने पदार्थ से टॉपिक को शुरू किया था पदार्थ जो सब कोई भी वस्तु मौजूद है वो सब पदार्थ है या आप हैं, या हम हैं, या कोई भी कहते हैं फोन है कैमरा है जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब पदार्थ है राइट वहां पर अपन ने पदार्थ पदार्थ में उपस्थित कण के बारे में पढ़ा और कौन कौन से पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है वो नियम भी हमने पढ़ लिए थे इन सब को पूरा करते हुए हम थोड़ा आगे की ओर बढ़े और हमने कहा जो पदार्थ में कण मौजूद है उसे क्या कहा जाता है तो वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करते हुए कहा कि ये परमाणु होता है राइट परमाणु जब उसके बारे में उसके खोज की गई तो उसमें उस परमाणु कण मिले उन पर रिसर्च हुआ उसके बाद परमाणु परमाणु से हमने तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तो वहां फिर रिसर्च किए गए ये जो परमाणु है इनमें जो तत्व परमाणु से जो तत्व बने हैं वो तत्वों को हम किस तरह से रखेंगे उन पर खोज की गई और आज हम वही चीज डिस्कस करने वाले हैं यानी पदार्थ से परमाणु और परमाणु से तत्व तक हम आज पहुंच चुके हैं तो अब हम पढ़ेंगे तत्व जो तत्व होते हैं उनके क्या उनकी वर्गीकरण की क्या जरूरत पड़ी और उनके गुणधर्म में आवर्तिता का क्या अर्थ है जो आपका आज का चैप्टर है जिसका फर्स्ट लेक्चर हम आज स्टडी करेंगे तो शायद आपको बात समझ में आ गई कि हम आज थर्ड चैप्टर में कैसे पहुंच गए हैं क्लियर बात समझ में आ गई तो एक नजर डालो जल्दी से आज हम जो पढ़ने वाले हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो तत्व हैं उनके गुणधर्मों के बारे में उनके वर्गीकरण के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि ये जो तत्व है इन तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में या यूं कहूं कि इनको व्यवस्थित किसने किया तो वो मैंडलिफ उसके बारे में उसकी जो सारणी के महत्व है उनके बारे में और जो दोष आए उसके बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद मेंडलिस के दोष को दूर करने के लिए जो वैज्ञानिक आया हेनरी है, मोजले उसने जो आवर्त सारणी प्रस्तुत की उसके बारे में डिस्कस करेंगे उसकी कमियों को दोषों को भी स्टडी करेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी हम यहाँ देखेंगे साथ ही साथ लास्ट में हम आज के टॉपिक में एंड जो होगा वो होगा आई नामकरण जरा ध्यान से आई नामकरण वो नहीं जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं नो ये आई नामकरण अलग तरह का है जब तत्वों की खोज की गई थी तो वहां पर तत्वों का नामकरण कैसे हो तो इंटरनेशनल जो यूनियन पद्धति है उसने इस पर रिसर्च करके इनके कुछ नाम दिए गए वो क्या है किस तरह उन्हें लिखा जाता है वो सब भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओके बात समझ में आ गई तो फटाफट क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें और अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पर जिसमें हम सबसे पहले सामान्य परिचय देखेंगे यानी कि आज जो आप तत्व पढ़ने वाले हैं वो तत्व किस तरह से रखे गए हैं उनको हम किस तरह से पढ़ेंगे एक सामान्य परिचय क्या होता है उसको देखकर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं चलते हैं सामान्य परिचय में परिचय क्या कहता है कि सभी तत्वों का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करना सभी तत्वों का क्या व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण प्रस्तावित किया गया राइट? जैसे अगर हम लोग बात करें कि कोई भी चीज घर में रखी गई है या यूं कहूं मैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करूं तो हमारी जो लैब होती है उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं लेकिन अगर जहां एसिड है वहां सब एसिड ही मिलेंगे जहाँ बेस है वहाँ सब बेस ही मिलेंगे जहाँ सॉलिड कंपाउंड्स है वहाँ सॉलिड कंपाउंड्स ही मिलेंगे तो एक व्यवस्थित क्रम है ना वैसे ही जब तत्वों की जानकारी हो गई तो वहां पर व्यवस्थितता का क्या मतलब हुआ तो कहा कि तत्वों को व्यवस्थित रूप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं इस तत्वों का वर्गीकरण करते हैं और ये वर्गीकरण करने के लिए कहते हैं कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक और नियम होता है तो वहां नियम भी स्टडी करेंगे आवर्त नियम आवर्त सारणी के विकास का अध्ययन साथ ही जो साइंटिस्ट आएंगे मैंडलिफ वो आवर्त सारणी के बारे में बताएंगे और वो जिस आवर्त सारणी के बारे में डिस्कस करेंगे उसमें वो तत्वों को मेनली किस पॉइंट पर डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे परमाणु भार पर ओके okay, इंपॉर्टेंट लगा लेना क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ जाते हैं आधुनिक फिर इसके बाद जो कमी आई उसके बाद में आधुनिक आवर्त नियम चलेगा और उसमें जो तत्वों का आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया गया वर्गीकरण किया गया वो क्या था बेटा परमाणु क्रमांक क्रम में सात छेतज पंक्तियां जिन्हें आवर्त कहा गया और ऊर्दार स्तंभ जिन्हें समूह में व्यवस्थित किया गया जरा ध्यान देंगे इस तरह से अपन चीजों को लिखते हैं तो अपने को एक तो ये लाइन दिखाई दे रही है और एक ये ये छेतिज है बेटा और ये उर्धर है क्लियर बात समझ में आ गई होगी उर्ध हो गई है ना तो कहा कि जो खड़ी लाइनें होती हैं उन्हें उर्धर स्तंभ या समूह कहा जबकि 36 छेतीस लाइनों को क्या कहा बेटे आवर्त कहा आवर्त और इन्हें समूह कहा क्लियर राजा बात समझ में आ गई बेटे ओके डन वेरी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ऐसे ही जुड़ते रहो कमेंट करते रहो और कमेंट के साथ साथ ध्यान यहां पर भी रखो बातें नहीं करो जी बिल्कुल नहीं बातें नहीं करनी बातें बाद में करेंगे अपन लास्ट में ओके उतारेंगे आप इसको ये परिचय समझ में आया परिचय यानी बेस क्या है चैप्टर का ओके डन चलते हैं आगे अब अपने टॉपिक पर आते हैं टॉपिक कहता है कि आज जो आप तत्वों का वर्गीकरण कर रहे हैं वो वर्गीकरण की आवश्यकता ही क्यों पड़ी आपको जरूरत ही क्या है कि आप उसे वर्गीकृत कर रहे हैं। रख दो तत्वों को एक लाइन में खत्म करो व्यवस्थित कर दिया ऐसा नहीं है जरूरत होती है जैसे अगर एसिड के पास में एसिड एसिड ही रखे गएंगे तो अपने को ज्यादा हर कहीं लैब में घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन तत्वों को जो अपने सॉल्यूशंस है एसिड को अगर किसी को बताना है कि वहां से एसिड लेकर आओ तो अपन कह देंगे थर्ड रो में फर्स्ट जो रखा गया है वो एसिड है राइट तो वैसे ही और यदि हम अपने जीवन के बारे में बात करें मानव जीवन के बारे में बात करें तो इस सृष्टि में बहुत सारे जीव हैं अलग अलग प्रकार के हैं ना मनुष्य भी हैं पशु भी हैं पक्षी भी हैं है ना अब पशुओं के साथ पशु ही रहते हैं पक्षी नहीं है, पकषी पक्षियों में पक्षी रहते हैं मानव जो जाती है वह मानव ही मानव रहते हैं ऐसा क्यों है सबको एक साथ रहना चाहिए ना जहाँ मानव है पशु है पक्षी भी है सब एक साथ रहो ना अलग है ना हम कमरे में रह रहे हैं पशुओं को हम अलग जगह रखते हैं पक्षियों को हम अलग जगह रखते हैं क्योंकि उनके गुण अलग हैं उनके रहने का तरीका अलग है उनके खाना पीना सब अलग अलग है अगर सब एक साथ मिक्स हो गए तो पता ही नहीं चलेगा किसके लिए क्या कहा जाए या किसके लिए क्या बनाया जाए कौन क्या खाएगा राइट वैसे ही तत्वों को भी डिस्क्राइब किया गया है क्लियर तो इस तरह अपन देख सकते हैं कि वर्गीकरण की इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि तत्व जो हैं, जिनके गुण धर्म समान उनको एक साथ रखो क्लियर ताकि हम उन्हें वहीं से स्टडी कर सके राइट तो एक नजर डालते हैं वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों कहा जाता है कि सभी तत्व तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई है ये बात तो सही है क्योंकि कोई भी पदार्थ के अंदर तत्व ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है तत्व ही पदार्थ में मौजूद होता है तभी वो पदार्थ बनता है वर्तमान में 108 तत्व ज्ञात हैं। तत्वों की इतनी बड़ी संख्या के साथ इन सभी तत्वों के रसायन विज्ञान और उनके यौगिकों की संख्या का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना बहुत मुश्किल है सही इंडिविजुअल एक एक तत्व को देखें अलग अलग जाकर यानी कि सब बहुत सारे रख दिए क्या कहें कि अम्ल भी रख दिया छार भी रख दिया लवण भी रख दिया अब जाके ढूंढो कि अम्ल कहां है छार कहाँ है तो अपने को बहुत सारी चीजें एक जैसी दिखती है अम्ल भी व्हाइट कलरलेस क्षार भी कलरलेस दिखाई दे रहा है तो अब टेस्टिंग करो फिर देखो कि वो एसिड है या बेस राइट तो इतना व्यक्तिगत रूप से किस चीज को देखना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लंबा समय गुजर जाएगा रिसर्च भी तो करना है आंसर भी तो करना है तो कहा गया व्यक्तिगत रूप से करना बहुत मुश्किल है इसलिए विज्ञान के के अध्ययन को को लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों वर्गीकृत करके अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने का एक व्यवस्थित तरीका खोजा इस वर्गीकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य समान गुण वाले तत्वों को एक स्थान पर रखा तथा सात ताकि उस समूह में एक तत्व का अध्ययन करके हम उस समूह की पूरी जानकारी या उनके गुणों के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकें सही है बात समझ में आ गई होगी फटाफट उतारेंगे जल्दी से देखें जल्दी 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 बेटा क्लियर चलते हैं आगे अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर वर्गीकरण का पता चल गया अब जब आप वर्गीकृत कर रहे हैं तो अलग अलग वैज्ञानिक आए और उन्होंने इन तत्वों को अलग अलग क्रम में रख दिया अभी सारणी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तत्व ही और तत्वों को अलग-अलग समूह देखकर कहा कि इनके गुण इनसे मिलते हैं करेक्ट तो सबसे पहले इनमें आए कौन सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में बताया गया और कहा कि सारणी को तत्वों की सारणी व्यवस्था के रूप में परि परिभाषित किया जा सकता है समान गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखा जाता है अभी केवल और केवल इनको क्या किया गया है गुणों के आधार पर एक साथ तत्वों को समूहित किया गया है जिसमें सबसे पहले आया कौन डोबे राइनर का त्रिक क्या मतलब है डोबेरन नामक एक वैज्ञानिक आया इससे एक लोथर मेयर नामक एक साइंटिस्ट इससे पहले भी आया था लेकिन उसने इतना रिसर्च में नहीं दिया उससे हम लोगों को सीधा हम लोग यहाँ पर डॉबेराइन का ही पढ़ते हैं तो डॉबेराइनर जो आया था उसने कहा क्या? उसने कहा कि तत्व जो है, तत्व जो है वो तीन तीन के समूह में रखो ए बी और सी तीन समूह में तत्व रख दो और आप देखोगे कि तीन समूह में रखने के बाद पहला और तीसरे का जो परमाणु भार है अब ये शब्द तो अपने को पता है ना परमाणु भार परमाणु क्रमांक इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर में बहुत क्लियरली डिफाइंड है ओके तो परमाणु भार जो है उनका औसत आप जब निकालते हैं औसत जब आप निकालते हैं तो औसत का जो मान आता है वो मान मध्य वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर हो क्लियर इनका परमाणु भारों का योग करके औसत निकालो जो मान आएगा वो मध्य वाले मध्य उपस्थित तत्व के परमाणु भार के क्या होगा बराबर होगा ये किसने बोला डोबेराइनर ने बोला और त्रिक मतलब तीन का समूह लेकर तत्वों को व्यवस्थित तीन, तीन 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 करके उसने समूहों को व्यवस्थित समूह के रूप में तत्वों को व्यवस्थित कर दिया बात क्लियर ओके okay, डन चलते हैं एक नजर हम एग्जाम्पल पर डाल लेते हैं कि अपना जो एग्जाम्पल है वो किस तरह से इसको उतार लेना भाई जल्दी से इसको ठीक है ओके चलते हैं आगे तो अब जब अपन बात कर रहे हैं तो अपन देखते हैं कि अपना जो क्या एग्जाम्पल है वो कैसा है ये अब इन्होंने कहा कि ये तो समूह के बारे में मान बोल दिया है इन्होंने और बोल करके कह दिया कि क्या क्या बोला जरा ध्यान देंगे क्या बोला कि डब्ल्यून द्वारा दिया गया था इसमें मध्य तत्व का वही बात जो मैंने बताई है परमाणु के औसत मान के बराबर होता है ठीक है चलो जी चलो एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम्पल में आप क्या देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं लिथियम पोटेशियम सोडियम ठीक अब इन तीनों तत्वों को आप देखेंगे तो लिथियम का परमाणु भार लिथियम प्लस पोटेशियम का परमाणु भार ठीक है परमाणु तो है सात प्लस थर्टी नाइन कितना हुआ फोर्टी सिक्स इसका औसत निकल गया ये और ये औसत किसके लिए दिया गया है ये दिया गया है आपके किसके बराबर सोडियम के एटॉमिक मास के बराबर जो कितना आया है यस और नो बात समझ में आई है नहीं औसत समझ में आया या नहीं जल्दी बताओ जल्दी 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 बाकी सभी के आपको करना है अब भी करना है मेरे सामने ही करना है फटाफट कमेंट में लिख कर बताओ कि आपका ये आंसर अस्सी आ रहा है क्या 87 आ रहा है क्या 58 आ रहा है क्या जल्दी जल्दी अरे बातें नहीं करो बच्चों बातें नहीं करो भाई बातें बाद बाते में कर लेना पहले पढ़ाई पे ध्यान दो इधर टॉपिक को सब देखो कई बच्चे ये कहते भी हैं कि यहाँ पर पढ़ाई का पढ़ाई छोड़कर बच्चे बातें कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करो देखो सब मिलकर पढ़ाई करो कहते हैं संगठन में शक्ति होती है है ना मिलकर करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा देखो एक पता है एक बात क्या होती है जरा ध्यान से सुनना मेरी बात सुनते सुनते ये एग्जाम्पल करते रहो साथ में कि अगर अपन चार लोग साथ पढ़ रहे हैं तो चार में से सबके अलग अलग दिमाग चल रहे हैं तो अगर एक बच्चा कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरे को वो क्लिक नहीं किया तो उसको उसका भी पता चल गया दूसरे ने जो किया वो तीसरे को पता नहीं चल रहा तीसरे को किया चौथे को पता नहीं चल रहा तो चार अलग अलग क्वेश्चन चार लोगों के दिमाग में आए तो प्रत्येक बच्चे को चार चार क्वेश्चन नहीं पता चल गया क्या अगर आप अकेले पढ़ते तो एक ही क्वेश्चन पता करते लेकिन चार जने पढ़ रहे हो तो चार क्वेश्चन आ गए इट्स अ बेनिफिट फॉर यू क्लियर तो ऐसे पढ़ो ना इसीलिए कहते हैं संगठन में शक्ति होती है साथ मिलकर पढ़ने से बहुत फायदा है इसलिए यहाँ पर आप जब इतने अच्छे साथ में पढ़ रहे हो तो ध्यान से सुनो कि कौन क्या पूछ रहा है क्वेश्चन मैं उनके आंसर कर रही हूँ तो ध्यान से पढ़ो भाई ठीक है आगे आंसर वेरी गुड सबको पता चल गया क्लियर हो गई ओके okay, डन अब ये कह रहा है कि ये पैटर्न जो फॉलो किया गया था डॉबलाइन द्वारा वो सबके लिए नहीं था केवल सीमित ही था तत्वों में सबके लिए पॉसिबल नहीं था ओके डन अब चलते हैं आगे अब दूसरा साइंटिस्ट कौन आया भाई दूसरा वैज्ञानिक आया न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड क्या कहता है न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जैसे स्वर जो होते हैं वो सात होते हैं ना सात स्वरों का जो समूह आता है सारे गी सा तो पहला और सातवां जो स्वर है वो एक जैसा है ना सात से सात तक गए तो वैसे ही तत्वों में भी पहला तत्व आठवें तत्व के गुण में बिल्कुल समान होता है अब तक नवे जो ग्रुप है वो अपनी खोज नहीं की गई है वो लंबे बाद में खोजा गया था तो न्यू न्यूलैंड जब आया तो उसने कहा कि जिस प्रकार स्वर जो होते हैं उसमें सरगम में जो स्वर होते हैं सरगम में सारे गम पद नि वो सरगम के पहला और सातवां जो स्वर समान होता है वैसे तत्वों में भी पहला तत्व सातवें तत्व के गुणों में समानता प्रदर्शित करता किसने बोला न्यूलैंड ने बोला तो जरा एक नजर न्यूलैंड की परिभाषाओं पर जॉन न्यूलैंड ने देखा कि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित तत्वों की श्रृंखला में पहला और आठवां तत्व के गुण हाँ सारे गि सा आठवां सॉरी तो आठवां तत्व पहले से बिल्कुल क्या है समान है सात आठ स्वरों में आजकल उस श्रृंखला में पहले और नवे के बाद बात की जाती है लेकिन वो अभी तक जब न्यूलैंड ने खोज की तब तक खोजा नहीं है कुछ समय बाद वो खोज की गई थी तो हम अपन ये बात डिस्कस कर सकते हैं बात समझ में आई चले चले आगे तो एक नजर एग्जाम्पल पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट सोडियम आ रहा है सोडियम तो ये जो सोडियम है इसके गुण धर्म जो है वो लिथियम से बिल्कुल कनेक्टेड है जैसा गुण लिथियम का वैसा गुण सोडियम के भी है इसलिए कहा गया कि पहला और आठवां जो है उनके बिल्कुल सिमिलरली बात की जाती है बात समझ में आ गई बात क्लियर भी हो गई अब चलते हैं अपन बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन फिर आता है नियोन पहले ये खोजा नहीं गया था राइट अब आता है कैल्शियम है ना तो उस समय जब अपन बात कर रहे थे तो जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के नीचे क्या आएगा कैल्शियम तो मैग्नीशियम के गुण भी कैल्शियम के समान प्रतीत होते हैं उनके गुणधर्म जो होते हैं वो समान होते हैं तो जिस प्रकार सरगम के जो क्या होते हैं स्वर होते हैं सात स्वरों में आठवां जो स्वर होता है वो पहले के क्या होता है बराबर होता है बात समझ में आ गई टॉपिक क्लियर हो गया सारे गम पद सा पूरा लिया। ओके डन चलते हैं आगे अब ये तो टॉपिक क्लियर हो चुका है अब चलते हैं हम आगे। अगली आती है है? की आवर्त ये क्या क्या अच्छा। हमने अभी पढ़ा हमने पढ़ा तत्वों का वर्गीकरण का टॉपिक कि वर्गीकरण क्यों करें हम कहा कि तत्व बहुत सारे हैं अलग अलग रखो तभी समझ आएंगे कौन सा तत्व किसके साथ गुण प्रदर्शित करता है ठीक वो भी कर दिया गुण भी समान बता दिए अब अब कहा कि व्यवस्थित करो जैसे एसिड को 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 अलग 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 रख 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 दिया, दिया, दिया बेस लवण अब कहा कि कोई क्या बनाओ अलमीरा बनाओ जिसमें इनको अलग अलग हम रख सके एक सारणी तैयार करो भाई यानी कि एक दीवार पर एक सारणी बनाओ अच्छे से रो कॉलम बनाओ जिसमें अपन एसिड को रख सके बेस को रख सके तो कहा कि तत्वों के गुणधर्मों की ठीक है जानकारी लेकिन इनको भी तो करना होगा तो सारणी के रूप में सबसे पहले तत्वों को जब अरेंज किया तो वो वैज्ञानिक कौन था था, राइट याद करो याद कि मैंफ ही वह वैज्ञानिक है जिसने तत्वों को सबसे पहले आवर्त सारणी में रखा आवर्त क्यों कि गुण जो है बार बार रिपीट होते हैं फ्रीक्वेंसी होती है में तब आवर्त शब्द जोड़ा गया आवृत्ति क्लियर बात समझ में आ गई तो चलते हैं आगे जरा देखते हैं मैंडलिफ क्या कहता है मैंफ कहता है कि तत्व जो है उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार का एक आवर्ती फलन होता है परमाणु भार मैंडलिफ ने तत्वों को किस रूप में वर्गीकृत किया परमाणु भार के आधार में वर्गीकृत करके उन्हें एक सारणी में व्यवस्थित किया राइट चलते हैं आगे आधुनिक आवर्त नियम जो है मैंडलिफ का आवर्त नियम क्या है आवर्त सारणी को तो व्यवस्थित कर दिया इसने नियम दिया तो नियम में कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होता है ने उस समय ज्ञात तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया और इस व्यवस्थित करने के क्रम को आवर्त सारणी कहा गया क्लियर बात समझ में आई तो समान विशेषताओं वाले तत्व ऊर्जा पंक्तियों में मौजूद थे जिन्हें समूह कहा जाता है और क्षेत्र को आवर्त कहा जाता ये बात मैंने बता दी है मैं बार बार बता रही हूँ यह है, 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 है और और है 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 वो वो आवर्त जो समूह क्लियर बात समझ में आ गई होगी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के रूप में उनने आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया था और सबसे पहले इन्होंने ही आवर्त सारणी दी थी क्लियर अगर क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन क्या होगा कि सबसे पहले के रूप में तत्वों को किसने रखा किसने रखा ने रखा ओके डन फटाफट नोट कर लेना क्वेश्चन आए तो आंसर देना ठीक चलते हैं आगे अब चलते हैं अपन जो मैंडलिफ ने सारणी दी है वो सारणी को अपन किस तरह देख सकते हैं सही है इसमें सबका योगदान है केवल मैंडलिफ का नहीं है तत्व तो बहुत सारे लोगों ने खोजा है लेकिन सारणीबद्ध जो है सारणी बदलिफ नहीं किया है राइट तो की सारणी में आपको दिखाई दे रहा है कि सारणी में जिस तरह से एक चैकर बॉक्स की तरह से जैसे ये बनी हुई है ना उसमें जो तत्व रखे गए हैं वो डोबेराइन ने त्रिक के रूप में दिए थे जो क्लीन है वो मैंडलिफ नहीं रिसर्च करके लिखे गए हैं उन्होंने ही इनको खोजा है क्लियर बात समझ में साथ ही ने सीरीज सीरीज और कुछ नॉन टू अपने पास जो तत्व हैं उनको कुछ इस प्रकार से रखा है जो क्या है बढ़ते और घटते हुए क्रम में है यानी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर रखा है क्लियर चले असेंडिंग डिसेंडिंग होता है ना ऑर्डर वैसे रखा है चले आगे ओके okay, अब ये क्या कह रहा है कुछ पॉइंटों के साथ अपनी सारणी को समझेंगे चले क्या कह रहा है पहला पॉइंट जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे आवर्त में तत्वों को उर्दू पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है ऊर्ध्धर ये रहे उर्धर इनके व्यवस्थित किया जा रहा है ना तो इन्हें हम क्या कहते हैं भाई उर्धु जो खड़ी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई जल्दी बताओ समूह और yes नो no? जल्दी बताओ जल्दी क्या कहते हैं समूह ठीक और जो छेत्रिज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं बिल्कुल नहीं होना भी नहीं चाहिए आवर्त के रूप में माना जाता है ठीक बात है कोई दिक्कत नहीं अब ये क्या कह रहे हैं रोमन अंकों द्वारा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ सिक्स सेवन, सिक, सेवन एथ और शून्य के रूप में दर्शाए गए नौ समूह हैं। समूह नौ है क्या खड़ी लाइन गिनो एक यानी जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ क्लियर ओके आ गया आठ है शून्य से आठ यानी नौ हो गए टोटल समूह ठीक है ये बात क्लियर हो गई आगे आओ आठवें में, में नौ तत्व शामिल है जो तीन त्रिकों के रूप में हैं आओ आठवे में तीन तत्व शामिल हैं जो क्या हैं त्रिक के रूप में यानी त्रिक के जैसा ही इन्होंने भी प्रदर्शित किया था त्रिक के रूप में इन्होंने तत्वों को रखा ठीक है सही भी है व्यवस्थित है शून्य समूह में अक्रिय गैस या अक्रिय गैस से संबंधित तत्व होते हैं जो मौजूद तत्वों की शून्य संयोजकता होती है अक्रिय गैसें क्या होती हैं जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती हैं रिएक्शन का मतलब क्या होता है जो सक्रिय नहीं है ठीक है जो सक्रिय नहीं होते हैं उन्हें अक्रिय या जो क्रियाशील नहीं होते उन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं और ये सभी गैस फॉर्म में बच्चों किस फॉर्म में है गैस फॉर्म में इसलिए इन्हें अक्रिय गैस हीलियम नियोन ऑर्गन क्रिप्टॉन जीनोन और रेडोन क्लियर बात समझ में आ गई होगी तो कहा कि मैंडलिफ की आवर्त सारणी में सात आवर्त क्षेत्रिज पंक्ति के रूप में विन्यासित है एक दो तीन चार पांच छ सात राइट सात आवर्त नजर आ रहे हैं क्लियर सात आवर्त हैं बाद में कम ज्यादा हो गए वो कोई दिक्कत नहीं है वो हम आगे बात करेंगे लेकिन अभी जो सारणी मैंडलिफ ने दी तत्वों की वो बिल्कुल जस्टिफाइड है तत्व व्यवस्थित है आवर्त में है समूह में है और तत्वों का जो क्रमांक दिया गया है वो भी सही है परमाणु भार के आधार पर उन्हें जो बढ़ते हुए क्रम में लिखा है वो ठीक है लेकिन कुछ कमियां अभी भी हैं कुछ तत्वों को उन्होंने जो बताया है उसमें कुछ कमियां हैं वो कमियां कौन सी है वो यहीं पर डिस्कस करेंगे थोड़े से महत्व को देखकर कमी पर आएंगे इसी सारणी को आप सब उतारेंगे ताकि बात समझ में आ जाए क्लियर अभी जो क्रम इसने दिया उसमें दोष कहां से आए वो अभी देख लेंगे ठीक है चले आगे बात समझ में आ गई तो चलते हैं आगे आइए अब महत्व की बात करते हैं सबसे पहले कहा कि तत्व जो है, उनका अध्ययन इस अर्थ में काफी व्यवस्थित बना दिया कि यदि किसी विशेष समूह में एक तत्व के गुणों को जाना जाता है तो दूसरों के गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है कैसे जैसे यदि अपन यू कहें कि अपने को ये पता चल जाए कि अम्ल खट्टे होते हैं अब वो एसिड प्रबल हो दुर्बल हो लेकिन ये है कि एसिड स्वाद में खट्टे होंगे तो होंगे ही स्वाद तो होगा और खट्टा ही होगा एसिड में यानी स्पेसिफिक गुण पता चला ऐसे ही तत्वों का जब गुण देखा गया तो कहा कि किसी भी समूह में यदि आप एक तत्व को देख लें कि वो क्रियाशील है तो यानी पूरे समूह में जो तत्व उपस्थित है इसमें बाद के चरण में इन तत्वों की खोज में काफी हद तक मदद मिली सही बात है कि भाई एसिड है तो एसिड कोई तत्व है तो वो क्षारिय प्रवृत्ति का है तो क्षार्य प्रवृत्ति पता चली तो अब ऐसे तत्व कौन कौन से और हम खोज सकते हैं तो और नए तत्वों को खोजा गया था ना तभी तो आवर्त सारणी में आज 118 तत्व मौजूद हैं क्लियर तो इन तत्वों को उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित दि भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं है क्लियर हो गई थी बात वो तो हमने देख भी लिया था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ता हुआ क्रम लिखा है अब देखते हैं थोड़ा सा हम इनके दोष दोष कौन से हैं? चले दोष कैसे हैं तो कहा कि हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बता पाया हाइड्रोजन का नंबर एक है ना भार भी एक है ना तो स्टार्टिंग में रखो पर आज तक हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं है ठीक सेकंड, आइसोटॉप की स्थिति नहीं समझा पाया आइसोटॉप्स क्या होते हैं आवर्त नियम के अनुसार अलग अलग रखा कि सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान दिया गया था यानी कि जो समस्थानिक है समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब होता है एक भार समान नहीं हो सकता स्थान समान है यानी कि कार्बन की बात करूं कार्बन खोजा गया ही था कार्बन बारह कार्बन तेरह और कार्बन चौदह छ तो, तो अलग अलग है और आपने भार के आधार पर ही व्यवस्थित किया है तो आपका कार्बन तो तीन जगह घेरेगा ना आवर्त सारणी में वो तीन बार लिखा जाएगा ना कार्बन बारह कार्बन तेरह और कार्बन चौदह की आवर्त सारणी के अनुसार तो यही चीज होगी हाँ या ना लेकिन ऐसा संभव थोड़ी है इसका मतलब एक तत्व यानी कि एक ही चीज चार बार लिखी जा रही है तो फिर कैसे हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे भाई ऐसा नहीं है तो इस बात को कहा गया ऐसा कैसे हुआ तो मैं इसको नहीं समझा पाया अब उसने दूसरा दोष क्या कहा दूसरा उसने कहा आवर्तता का कारण क्या है गुणों में बार बार रिपीटेशन हो रहा है एक गुण के जैसा ही दूसरा, दूसरा दूसरे के जैसा क्यों है भाई ऐसा क्या है ये नहीं बता सके कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्व अपने गुणों में क्यों नहीं आवर्तित हो रहे आवर्तता क्यों नहीं प्रदर्शित कर रहे भाई वो किस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उनका उनके गुण कैसे बदल रहे हैं और क्यों नहीं बदल रहे बदल रहे हैं तो भी क्यों और नहीं बदल रहे तो भी क्यों नहीं बदल रहे है? इसको मैंडलिफ नहीं समझा पाया राइट आगे चले तत्वों के विसंगतिपूर्ण जोड़ी कुछ विसंगतिपूर्ण जोड़े मौजूद थे ताकि चूंकि सॉरी जैसे टेल्यूरियम और आयोडीन हिसाब तो ये कहता है हिसाब मतलब कायदे से बात तो यह होती है कि छोटे को पहले और बड़े को बाद में लिखो सही बात है घर में कोई चीज आती है तो छोटे को पहले दी जाती है और बड़े को बाद में अगर बड़े को पहले दे दी तो ये तो वो तो क्या हो गया नियमों के विरुद्ध हो गई बातें राइट right? कैसे जरा एक नजर डाल लो बार फटाफट 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 देखो देखो यहाँ पर जरा आओ क्या है यहाँ पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा आयोडीन और ये टेल्यूरियम दिखाई दे रहा है बच्चों यस yes और नो no? बोलो भाई कमेंट में ये टेल्यूरियम यहां नहीं आना था और ये आयोडीन यहाँ नहीं आना था आना था ना लेकिन नहीं आया क्रम बदल दिया छोटे बड़े के बीच में क्रम हो गया यहीं पर देख लो एक सौ अस्सी वन फोर यहां क्या है ये और ये ये पहले आना था ये बाद में रहा है सही है बात क्लियर हो गई तो इस प्रकार तत्वों में कुछ क्या दिखाया गया वेरिएशन आ गया तो ये क्या हो गई बात नहीं वो समझा नहीं पाया उसने बहुत मेहनत से सारणी को बनाया पर फिर भी कुछ कमियां रह गई और रही तो भी ठीक बात है अगर नहीं रहती तो मोजले नहीं आता वो रिसर्च नहीं करता वो नहीं बता पाता तो कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है तो अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी आगे मोजले की आधुनिक सारणी के बारे में राइट तो आया उसने आधुनिक आवर्त ने सारनी दी पर उसको थोड़ा सा रिचेंज किया क्या कहा कहा कि जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो परमाणु भार नहीं परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं जो गुणों में आवर्तता प्रदर्शित हो रही है वो क्रमांक की वजह से है भारों की वजह से नहीं है क्लियर तो इसे दीर्घ रूप देकर उसे आवर्त सारणी भी कहा जाता है मॉडर्न आवर्त सारणी भी कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है इन तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखा जाता है यानी भार को हम लोग नहीं देखेंगे हम देखेंगे केवल क्रमांक एक दो तीन चार पांच क्रमांक कभी भी रिपीट नहीं होगा जिसका क्रमांक छो तो कार्बन का ही होगा नाइट्रोजन का कभी छह नहीं हो सकता राइट इस चीज को मोजले ने बहुत अच्छे से क्लियरिफाई किया कैसे किया जरा एक नजर डालते हैं आधुनिक आवर्त नियम देते हुए उन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं ये बातें समझ आ जानी चाहिए जो मैं कह रही हूं क्लियर चलते हैं आगे आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप क्या था हमारे समक्ष जो वर्तमान में आवर्त सारणी है वो किस रूप में है वो हम सब देखते हैं हमने पढ़ी हुई भी है टेंथ क्लास में ही पढ़ी हुई है लेकिन आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं ताकि आपको वो चीज समझ में आए ओके तो चलते हैं कि आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप जिसे बता दिया गया था आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है इस तालिका में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के व्यवस्थित किया और कहा 100 से अधिक परमाणु संख्या वाले तत्वों का नामकरण भी किया और वो नामकरण आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हुआ था क्लियर तो ये था आपका मोजले का दीर्घ रूप जो उसने बताया था आवर्त सारणी समूह की विशेषताएं आवर्त सारणी तो पता है ने बता दी समूह होते हैं आवर्त होते हैं मेंडलिफ़ ने बता दिया अब किसने क्या कहा किसने नहीं मोजले ने क्या कहा कि जो समूह है उसकी संरचना में क्या क्या मौजूद है जैसे समूह में तत्वों को रखा तो सही पर तत्व है कितने ये नहीं बता पाया तो इन्होंने कहा जब आप समूह में व्यवस्थित करते हैं तो कुल समूह होंगे उसके कितने समूह थे बताओ कितने समूह थे उसके पास उसके साथ पास उर्दू समूह थे ना वो कितने थे आठ और एक जीरो नो ही थे इसने कितने बता दिए अठारह यानी इस तरह से खड़ी जो लाइनें हैं कितनी है भाई अठारह है समूह एक स्वतंत्र समूह है जबकि उसने एक समूह में तीन तीन तत्वों को रख दिया था यस और नो, बातें याद रखो पीछे की चीजों को याद रखो तभी वो चीजें क्लियर होगी क्लियर बात समझ में आ गई ठीक है जी अब चलते हैं आगे अब कह रहा है समूह की विशेषता जो समूह अठारह समूह की विशेषता देखो सभी तत्वों के परमाणुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है यानी अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन एस वन है तो पूरे समूह में सभी का एन एस वन ही होगा लास्ट में क्लियर अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन देखा जाता है तो अंत में सबके एन एस वन ही आएगा ये क्वालिटी थी समूह की मोजने कहा दूसरा समूह में तत्वों को परमाणु क्रमांक के निश्चित अंतराल में व्यवस्थित किया गया अभी जब मैं वो पर, आ, आवर सारणी दिखाऊंगी वहां मैं ये करके दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से दो आठ आठ अठारह वास्तव में है ये इसीलिए याद रखना भी जरूरी है अगर आप किसी का भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको या यूं कहूं परमाणु क्रमांक आपको याद नहीं हो रहा है तो केवल आप ये याद कर लें दो आठ आठ अट्ठारह अठारह बत्तीस में कहूं एकदम क्लियर हो जाएगा परमाणु क्रमांक कभी गलत होगा नहीं एक सौ एक प्रतिशत अभी एग्जाम्पल प्रस्तुत करूंगी वहां पर आपको समझ में आ जाएगा तो ये थर्ड समूह में नीचे की ओर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण तत्वों का परमाणु आकार बढ़ता है जब क्रमांक में वृद्धि हो रही है ऊपर से नीचे आ रहे हैं एक तीन क्या एक तीन सात ग्यारह जो भी अपन लेते हैं तो वो तत्व जो है उनका क्रमांक बढ़ता है तो आकार बढ़ता है और साथ ही उनके भौतिक गुण जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घनत्व घुलनशीलता आदि भी इसी का पालन करते हैं प्रत्येक समय में तत्वों को आमतौर पर रासायनिक गुण होते हैं समान रासायनिक गुण होते हैं जिनको बदला नहीं जा सकता है क्लियर हो गई बात बात समझ में आ गई तो फटाफट उतारेंगे चलते हैं आगे अब आया आवर्त काल का मतलब होता है आवर्त आवर्त मतलब इस तरह से लेटी हुई लाइने को आवर्त कहा जाता है दीर्घ रूप में कुल सात आवर्त है अति लघु लघु दीर्घ अति दीर्घ चार इस तरह से समूह बांटे गए थे राइट जो अति लघु है उसमें दो है जो लघु है उसमें आठ है जो क्या है दीर्घ है उसमें अठारह है जो अति दीर्घ है उसमें बत्तीस तत्व विन्यासित है इसलिए एक आवर्त का समूह बताया गया था आवर्त की विशेषता क्या होती है सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजकता कोश में भरे जाते हैं क्या कह रहा है एक ही संयोजकता कोश में भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन ध्यान रखना एक ही संयोजकता कोष मतलब क्या बाह्यतम कक्ष में राइट हाँ या ना जैसे आप बात करते हैं ना आप लिखते हैं ना हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन यहाँ तक ही बात कर लो तो अपने पास जब अपन इसकी बात करते हैं तो अपन देखते हैं वन एस वन वन एस टू राइट पहला कोश अब हीलियम वन एस टू ठीक है लिथियम बेरिलियम बोरोन कालियम तो इन तत्वों में भी इसी प्रकार एक ही, ही किसमें कोश में संयोजकता कोश यानी इन सब का बाह्यतम जो कक्ष होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो एक ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं समान इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसने कहा हेनरी मोजे ने यह बात तो समझ में आ गई अब इनका क्रम कैसे भरूंगी वो वहां सारणी में बताऊंगी तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि मैडम कैसे हुआ क्योंकि तो ये तत्व तो नीचे हैं हाइड्रोजन ऊपर है हीलियम के बराबर फिर लिथियम इसके नीचे आता है तो मैं वहां पर सब कुछ क्लियर करूंगी तो लास्ट तक जुड़े रहना ठीक है आकार आमतौर पर बाएं से दाएं घटता जाता है ठीक है अब आ गई सारणी आई गई बड़ी जल्दी आई आ गई चलो ठीक आओ भाई आओ सबसे पहले उसने क्या कहा उसने कहा कि तत्व जब समूह में है अब समूह में है तत्व समूह में है आ जाओ ध्यान से सब यहां कोई टेंशन नहीं सारी चीजें समझ में आएगी एक आवर्त सारणी दी गई है जिसमें अठारह समूह जरा ध्यान देंगे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह एक से अठारह तक क्या है भाई समूह है क्लियर ठीक है आओ आगे कहा कि एक समूह में जो तत्व रखे गए हैं बराबर उन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन समान होंगे सही है चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन वन एस वन लिथियम वन एस टू टू एस वन सोडियम एस टू टू एस टू टू पी क्या दो दो चार और क्या हुआ टू पी सिक्स और थ्री एस वन एस 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 सब में कितना इलेक्ट्रॉन वन ठीक हाँ या ना सेकंड जो लिखे गए हैं वो जो तत्व तो तो रखे गए हैं निश्चित अंतराल में रखे गए हैं कैसे चेक करते हैं एक से हीलियम में जाओ वन में टू जोड़ो कितना आया तीन लिथियम तीन में आठ जोड़ो कितना आया ग्यारह सोडियम ग्यारह में आठ जोड़ो कितना आया उन्नीस पोटेशियम अठारह जोड़ो उन्नीस में सैतीस फिर अठारह जोड़ो पचपन फिर बत्तीस जोड़ो सैतीस हाँ या नहीं कितना कौन सा क्रम दो आठ आठ अठारह बत्तीस यही क्रम बताया था उन्होंने राइट सही है जस्टिफाइड है बिल्कुल है क्लियर हो गई बात यस और नो जल्दी कमेंट में लिखो सेकंड उन्होंने कहा कि जो तत्व बाएं से दाएं जाते हैं तो वो एक ही समूह में पता है था ना इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजकता कोश में भरे जाते हैं सभी तत्वों में आवर्त में उपस्थित सभी तत्वों में आवर्त में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक ही संयोजकता कोश में भरे जाते हैं हो सकता है ऐसा ना हो एक ही आवर्त में आवर्त संयोजकता कोश सेम ये आवर्त पहला फर्स्ट तो फर्स्ट 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 दूसरा आवर्त तीसरा आवर्त चौथा आवर्त पांचवा छठा सातवां आठवां सात ही आवर्त तो है सात आवर्त में विभक्त कर दिया ये दो है वो बीच में एंटर करेंगे वो कैसे करेंगे वो बाद में बताऊंगी क्योंकि अभी तो इन चीजों की जरूरत नहीं है तो ये बात थोड़ा सा अभी जस्टिफाइड नहीं है इस बात में थोड़ी सी दिक्कतें हैं वो नहीं है एक आवर्त में सभी समान नहीं अलग अलग देखे जाते हैं वो क्लियर नहीं है बात वो बाद में समझाई जाएगी ठीक तो ये बातें क्लियर हो गई ये बातें तो जस्टिफाइड हो गई समझ में भी आ गई आवर्त सारणी में जो कहा वो हमने समझा दिया क्लियर है अपने पास कोई भी तत्व है तो उनमें धातु अधातु और उपधातुएं भी तो हैं हाँ आवर्त सारणी में रखी गई थी जरा ध्यान देना धातु ए धातु कौन कौन सी बेटा यहां लिखा गया है सबसे पहला जो कक्ष होता है वो धातु क्षार धातुएं दूसरा क्षारीय मृदा धातु फिर आती है संक्रमण धातुएं उसके बाद आती है उप ये सब क्या है दो दो चार दो साथ ये सब उप हैं और उसके बाद जो अपने को दिखाई दे रही हैं उप धातुओं को छोड़कर जो दिखाई दे रही हैं वो सब क्या है अधातु और ये लास्ट में जो है वो सब क्या है अक्रिय और ये भी क्यों कहा क्योंकि इन सब के बाहितम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है आठ यानी अष्टक पूर्ण है अगर अष्टक पूर्ण है तो वो ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा इसलिए वो अक्रिय शब्द का यूज किया गया है राइट बात समझ में आ गई तो यदि किसी भी आवर्त में कहा जाए कि अक्रिय गैसों की बात की जा रही है तो वहां पर सदैव इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरी होंगे अगर 18 तक रुक रहे हैं तो 18 अब न लेना ना देना तो 18 तत्वों तक आ गए बात समझ में आ गई क्लियर हो गई बिल्कुल उतारेंगे जल्दी से चलते हैं आगे अब है तत्वों का आयु पी एस सी नामकरण तत्व जो बताए ना उन्होंने कहा सो तत्वों का नामकरण तो आयुपीसी नामकरण तो बनते हैं। आ जाओ नामकरण दिया तत्वों का आयुपीसी तो तत्वों का आयुपीसी नामकरण क्या कह रहा है तीन तीन अंक तीन अंकों की परमाणु संख्या के लिए जड़ों का उपयोग करके प्राप्त किए जाते हैं क्लियर आओ भाई ये देखो जीरो के लिए नील अन बाई ट्राइ क्वाड पेंट हेक्स, सेप्ट, ठीक, क्लियर है अब यदि आपको 101 का नाम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे संख्याओं का नाम जब लिखते हैं तो कहा कि जीरो से एक से नौ के लिए संख्यात्मक जो, जो जोड़े होते हैं जो साथ में उपयोग किया जाता है उनके परमाणु क्रमांक से सीधा एक व्यवस्थित नामकरण किया जाता है और अंकों के क्रम में एक साथ रखा जाता है जिसे परमाणु क्रमांक बनता है और अंत में एम जोड़ दिया जाता है सौ से ऊपर वाले तत्वों के आयुपी नाम इस प्रकार है पहला वन जीरो वन अच्छा वन को क्या कहते हैं अन आपके साथ साथ ये पेन भी पूरे मजे लेते हैं वन अन जीरो नील वन अन नाम के पीछे क्या जोड़ दो इम क्या बन गया अन नील अनियम अन नील अनियम अन नील बाइयम अन नील ट्राइम अन नील क्वाडियम अन नील पेंटियम अन नील हेक्सियम अन नील सेप्टियम अन नील ऑक्टियम क्लियर बात समझ में आई आज की डेट में तत्वों को खोजा गया है जिस साइंटिस्ट ने जिस तत्व को खोजा उसी के नाम पर उनके नाम रख दिए गए हैं और उनके सिंबल्स यानी प्रतीक चिन्हों को भी रख दिया गया है क्लियर बात समझ में आ गई राइट जी राइट चलते हैं आगे अच्छा ये बात समझ में आई ना फर्स्ट फर्स्ट शब्द ले लो यू एन और यू क्लियर ठीक है चलते हैं ये क्वेश्चन आता है स्टार लगाओ 101 का आईपीसी नाम लिखो और आधुनिक नाम भी लिखो जिस साइंटिस्ट ने दिया है 101 की खोज मेंडलीफ ने की तो मेंडलीफ के नाम पर रख दिया ठीक है चलें आगे आगे देखो थोड़ा सा 109 से 118 तक तत्व आ गए अब वही ना अननील इनियम अननील राइट बात समझ में आ गई तो इनके तत्वों को भी अब खोज लिया गया है तो ये बातें क्लियर हो जाती है क्लियर बात समझ आई हो तो फटाफट बताएंगे क्लियर हो गई अन अन अनियम अन 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 अनियम अन 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 क्वाडियम क्लियर बात समझ में आ गई होगी चलते हैं ये तो हुआ आई नामकरण कंप्लीट बात समझ में आ गई आयुपीएससी नामकरण कंप्लीट हो चुके हैं यानी आज आपने जो जो भी पढ़ा है उसका एक बार फटाफट रिवीजन के तौर पर हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के उनकी प्रैक्टिस देखती हूं आज किस किस ने कितना अच्छे से पढ़ा है अगर जो आंसर सही देंगे वही आज अच्छा बच्चा है क्योंकि उसने सारे क्लास ध्यान से पढ़िए भाई चलो पहला क्वेश्चन आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने दिया था आवर्त सारणी तत्वों को सबसे पहले किसने व्यवस्थित किया मेंडेलीफ लेवाशिए जॉन न्यूलैंड और लोथर मेयर फटाफट आपका टाइम शुरू होता है अब मैं 10 तक काउंट करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन बताओ क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ भाई आंसर क्या है इसका इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बिल्कुल वेरी गुड मेरे हुनहार बच्चों कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो गया आपको पढ़ाकर, बच्चों, Second question पे आए, आ ये देखो मैंडलिव की संशोधित सारणी में शून्य और आठवें वर्ग को छोड़कर अन्य वर्गों को किसमें विभाजित किया था जरा ध्यान दिया था शून्य और आठवां तो वैसे ही था लेकिन बाकी वर्ग किसमें व्यवस्थित थे ए बी ए बी ए बी वर्ग का क्या बनाया उपवर्ग बनाया आंसर क्या होगा उपवर्ग और B ध्यान देना था वहां पर आपने ध्यान दिया नहीं इसीलिए पता नहीं चला राइट कोई बात नहीं आंसर समझ में आया क्लियर सेकंड अगला क्वेश्चन आई के अनुसार आवर्त सारणी में कुल समूह आवर्त क्रमशः हैं कितने हैं जल्दी बताओ फटाफट आंसर बताओ इसका सोलह नौ अठारह सात अठारह नौ तेरह सात कितना ये तो आना चाहिए भाई वेरी गुड कितना आंसर सभी बच्चों ने राइट आंसर वेरी गुड वेरी गुड अठारह और सात वेल डन वेल डन वेल डन मेरे बच्चों वेरी गुड सेकेंड क्वेश्चन अगला देखो आधुनिक आवर्त सारणी में किस वर्ग में पूर्ण आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से अक्रिय तत्व होते हैं कौन से वर्ग में सॉरी कौन से आवर्त में वर्ग कह रहा है कि आवर्त में किस वर्ग में हाँ किस वर्ग में यानी समूह में कौन सा समूह था बताओ जल्दी मैंने बताया था अभी जो है कौन सा था जल्दी आंसर भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बच्चों आंसर इज राइट एटीन क्लियर अट्ठारवा वर्ग है हीलियम, नियोन, आर्गन, जो अक्रिय गैसों के रूप में जाना जाता है जिसमें पूर्ण बाह्यतम कक्ष भरा हुआ होता है इलेक्ट्रॉन ना देते हैं ना लेते हैं इसलिए अक्रिय गैसें तो चलो जी तत्वों का ब्लॉक ब्लॉक में विभाजन मतलब क्या एक समूह में बांटना है ना एक समूह में तत्वों को रखना अलग अलग समूह बने वो समूह कितने थे और हुआ क्या सबसे पहले ध्यान देंगे कोई भी तत्व होता है बेटा तत्व जो होता है उसके अंदर नाभिक नाभिक के चारों तरफ कक्ष होते हैं यस और नो इन कक्षकों को बेटा हमने के एल एम और बोला बोला है। बोला है कि नहीं बोला है। ये कक्ष हैं या यूं कहूं कि कोश हैं। इन कोशों को पुनः वर्गीकृत किया गया और कहा गया कि जो तत्व हैं, वो उनमें उपस्थित इलेक्ट के आधार पर इलेक्ट्रॉन के आधार पर इन्हें में बांटा गया उपकोषों में बांटा गया किस में बांटा गया बेटा उपकोषों में और वो उपकोष क्या है एस पी डी और एफ राइट इन्हें क्या किया जाता है स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है वहीं पर यदि आप कक्ष की बात करें तो उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है बात समझ आ गई कोई डाउट नहीं है यहां तक क्योंकि आप सब मेरे साथ कहा पढ़ रहे हो डाउट नट में जो पढ़ रहे हो बच्चों चले जी आगे चलते हैं तो कोश उपकोशों में बंट गए ये उपकोश जो है वो प्रत्येक उपकोश एक समूह में बंटा और समूह में तत्व आ गए राइट तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक कितने ब्लॉक में बंटा चार ब्लॉक में किस आधार पर इलेक्ट्रॉन के आधार पर राइट right? बात समझ में आ गई तो फटाफट उतारेंगे जल्दी से मुझे ये बात समझानी थी क्योंकि इसको समझाए बिना हम ब्लॉक को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं क्लियर ओके okay, जी ओके okay. चलते हैं आगे फटाफट शुरू करते हैं सबसे पहले क्या आएगा एस ब्लॉक बेटा ब्लॉक क्या होता है इसकी परिभाषा पर मैं एक नजर डालना चाहूंगी जरा ध्यान देंगे अपने पास एक परमाणु है परमाणु का नाभिक और नाभिक के कक्ष हैं या कोश है, कोई भी कक्ष है। कक्ष में क्या करते हैं जैसे ही उसका परमाणु क्रमांक बढ़ता है कोई भी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर इनका आकार बढ़ता है आकार बढ़ता है तो नाभिक पर आवेश बढ़ता है नाभिक पर आवेश बढ़ता है ठीक है परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो आवेश बढ़ता है और परमाणु क्रमांक और आवेश को बढ़ने के बाद इन दोनों का संतुलित बनाए रखने के लिए जो इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरा जाता है वही उस ब्लॉक का तत्व होता है जरा परिभाषा पर गौर करेंगे किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को प्रति संतुलित प्रति संतुलित करने वाला इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना हाँ या ना तो प्रति संतुलित करने वाला इलेक्ट्रॉन जिस कोश में या उपकोष में भरा जाता है उपकोष में भरा जाता है उसे उसी कोश या उसी उपकोष का तत्व कहते हैं राइट जल्दी से उतारो जल्दी से उतारो ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए ये किसी भी बुक में नहीं लिखी गई है जरा ध्यान दें ये परिभाषा क्या है किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को प्रतिसंतुलित करने वाला इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरा जाता है उसे उसी उपकोष का तत्व कहते हैं राइट तो चलते हैं आगे परिभाषा को मैं लिख रही हूं पहली बार उसके बाद आप खुद लिखेंगे ओके तो परिभाषा क्या रही बेटा किसी तत्व के परमाणु क्रमांक के बढ़ने पर बढ़ने पर बढ़े हुए बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को प्रतिसंतुलित प्रतिसंतुलित करने वाला करने वाला इलेक्ट्रॉन यदि एस उपकोष में भरा गया है तो एस उपकोष में भरा गया है तो उसे एस उपकोष के तत्व कहते हैं राइट जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ भाई बच्चों कि परिभाषा आपको समझ में आई है या नहीं ओके क्लियर डन समझ आ गई ठीक है जी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे चलिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन एस वन टू वन और टू यानी अंतिम कक्ष में वन और टू हो सकता है ठीक है आइए तो अब चलते हैं अपन इसके कुछ गुणों के बारे में चर्चा कर लें एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो तत्व नरम धातु के होते हैं यानी सोडियम को पोटेशियम को लिथियम को आप चाकू से भी काट सकते हैं इलेवेंथ क्लास में आवा चुके हैं प्रैक्टिकल आपका होना है लैब में जब आप जाएंगे तो वहां सोडियम का टुकड़ा रखा गया है छोटे-छोटे टुकड़े में से मैम आपको जब करवाएंगी क्या प्रैक्टिकल तो वहां पर वो सोडियम को चाकू से ही काटेंगी छोटे से टुकड़े को तो इसलिए कट सकती है क्योंकि वो धातु क्या होती है बेटे नरम होती है जब नरम है तो गलनांक को अतनांग भी कम होगा और आप सब जानते हैं कि सोडियम को यदि मैं क्या कर दूं वायु में खुला छोड़ दूं तो वो आग पकड़ लेता है इसीलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है बिकॉज ऑफ ये इसकी रिएक्टिविटी इसकी क्रियाशीलता अत्यधिक होती है उनमें से अधिकांश लोग को रंग प्रदान करने वाले होते हैं ज्वाला को रंग प्रदान करने वाले ये होते हैं हाइड्रोजन है सोडियम है पोटेशियम है इसमें क्या होता है जब ब्लास्ट होता है तो कलर जब दिखाई देता है वो चार धातुओं की वजह से ही होता है आम पर आयनिक बनाते हैं और ये बिजली के अच्छे चालक होते हैं बिजली के अच्छे चालक होते हैं यानी कि ये क्या होता है इनमें इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो जाता है क्योंकि ये नरम धातुएं होती है इनके बीच में कण जो होते हैं उनमें स्पेस उपस्थित होता है। ठीक बात समझ में आ गई तो देखते हैं कि एस ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं आपको यह आवर्त सारणी दिखाई दे रही है बीच में सभी बच्चों को दिखाई दे रही है जी बिल्कुल दिखाई दे रही है इसमें ये जो स्थिति है वो एस ब्लॉक की है और एस ब्लॉक के तत्वों को बेटा चार धातुएं कहते हैं आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि मैडम अम्ल धातु क्यों नहीं फिर छा क्यों क्योंकि ये धातुएं जल के साथ क्रिया करके छार का निर्माण करती हैं छार का निर्माण करती हैं इसीलिए इन्हें क्षारीय धातुएं कहा जाता है साथ ही एक ग्रुप को क्षार धातु वहीं पर जो दूसरा भाग है इसी का उसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है क्या कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु क्लियर बात समझ में आ गई होगी अब क्वेश्चन दिमाग में आया क्षारीय मृदा धातु क्यों क्योंकि इन तत्वों को सबसे पहले पृथ्वी में खनन द्वारा प्राप्त किया गया था मृदा द्वारा प्राप्त किया गया था इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु कहा गया क्लियर बात समझ में आई एल्कलाई मेटल्स एल्लाई अर्थ मेटल्स क्लियर बात समझ में आ गई हो तो फटाफट कमेंट में लिखेंगे यस मैम, जल्दी जल्दी। बेटा ओके? एस ब्लॉक के इलिमेंट जो होते हैं उनमें ग्रुप्स क्या होता है दिख रहा है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन एस वन एन एस टू होता है हाईली रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है प्लस वन प्लस टू होती है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीकरण अंक क्या जरा ध्यान देंगे ऑक्सीकरण अंक का मतलब होता है किसी भी तत्व के बाह्यतम बाह्यतम कक्ष, कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो यदि दान कर देते हैं तो उनका जितने इलेक्ट्रॉन आपने दान किए हैं वही ऑक्सीकरण अंक है क्यों भाई क्योंकि ऑक्सीकरण अंक जब भी आप बात करेंगे तो वहां पर हमें तत्व में अष्टक की प्राप्ति होनी चाहिए अष्टक से ज्यादा या अष्टक से कम है तो इलेक्ट्रॉन का दान किया जाएगा क्लियर बाह्यतम कक्ष में आठ है आठ के नजदीक है तो ग्रहण करेगा और आठ के नजदीक नहीं है तो दान करेगा फॉर एग्जाम्पल अपने पास सोडियम है बेटा सोडियम का परमाणु क्रमांक बताएंगे सभी बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे फटाफट अरे बता दो भाई क्या हो गया बोल बातें करने लग गए ना यही तो दिक्कत है यही तो दिक्कत है ये नहीं करना है बेटा पढ़ाई करो चलो आ जाओ सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना बेटा ग्यारह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेकेंड चैप्टर मैंने लिखा दिखा, सिखाया था वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स पहली बात अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है? इसीलिए ये कौन से ब्लॉक में आता है एस ब्लॉक में आता है सेकेंड बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन एक होने कितने चाहिए आठ नहीं है नजदीक भी नहीं है तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा दान धनवान लोग धन का दान करते हैं क्या करते हैं धनवान लोग धन का दान हा या ना तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा ये एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा और सोडियम पर चार्ज क्या है? प्लस वन तो ऑक्सीकरण क्या हुआ प्लस वन किसका सोडियम का कितना प्लस वन बोलो बात समझ आई या नहीं जल्दी बता दो फटाफट बता दो और इसको उतार लो ताकि बातें क्लियर हो जाए सबको बात समझ आ जाए जल्दी, जल्दी जल्दी ओके चलो आगे आता है अगला ब्लॉक पी ब्लॉक परिभाषा सब बच्चे लिखेंगे जल्दी से जल्दी कि पी ब्लॉक जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है मैंने एस ब्लॉक की बताई थी कि किसी तत्व के बाहित कक्ष में क्या इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वही प्रति संतुलित होकर में भरा जाएगा यानी कि किसी तत्व के परमाणु क्रमांक बढ़ने पर बढ़े हुए नाभिक आवेश को प्रति संतुलित करने वाला इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जाता है इसीलिए इसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं यस और नो जल्दी बता दो यस और नो फटाफट अब आ जाओ इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है एनएस टू एन पी वन टू सिक्स बोलो 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 अच्छा एनएस टू समझ आए वन टू तो सिक्स पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं हाँ ना भरे जा सकते हैं ना सबको पता है ये बात कि पी में क्या हो सकता है एक से छह इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं तो छ इलेक्ट्रॉन भरे तो छह से कम तो हो सकते हैं पर छह से ज्यादा नहीं।, कम तो हो सकते हैं, पर से नहीं। वन टू तो सिक्स सिक्स डेड लाइन ओके क्लियर जी क्लियर बात समझ में आ गई तो अब इसके गुणों के बारे में चर्चा कर लें। पी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण क्या क्या हैं? इन तत्वों के यौगिक अधिकतर सहसंयोजन संयोजन प्रवृत्ति के होते हैं इस बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कार्बन ये हम सब जानते हैं कार्बन पी ब्लॉक का है हाँ या ना मैंने पिछली क्लास में आवर्त सारणी को समझा दिया था इसीलिए मैं कह रही हूँ कार्बन कौन से ब्लॉक का है पी ब्लॉक का है राइट वैसे तो मैं यहाँ भी बता रही हूँ पर फिर भी आपको आवर्त सारणी याद हो है ना अगर नहीं है तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं ठीक है चलिए इनमें परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। किन में पी ब्लॉक के तत्वों में अभी मैं के जो तत्व देखेंगे उसमें परिवर्तनशील मतलब एक तत्व प्लस में भी और माइनस में भी राइट प्लस वन भी हो सकती है प्लस टू भी हो सकती है इस तरह के ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है क्लियर बात समझ में आ गई अब आ रहा है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का ए धातु गुण बढ़ जाता है।, ए धातु गुण जो गुण है वो कम हो जाता है यानी अगर आप देखेंगे कि जो चमकीलापन होता है जो विद्युत प्रवाह की जो दर होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है जो लचीलापन है वो कम होना शुरू हो जाता है राइट सॉफ्टनेस कम हो जाती है उसके बाद क्रियाशीलता भी नीचे की ओर घटती जाती है के अंत में एन एस टू एन पी सिक्स विन्यास वाला एक उत्कृष्ट गैस तत्व होता है अभी बात करते हैं इस पर जैसे हम समूह के नीचे आते हैं धात्विक गुण बढ़ते जाते हैं ठीक है आओ भाई यहां देखते हैं आओ बेटा यहां पर आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं बोरोन कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोर ये क्या है जो ग्रीन है वो सब क्या है नॉन मेटल्स है क्या है नॉन मेटल्स हैं नॉन मेटल मतलब क्या होते हैं नॉन मेटल्स जल्दी बताओ नॉन मेटल्स क्या होते हैं आ जाओ अधातु ओके चले, धातु चले मेटल धातु नोबल गैस, उप धातु ठीक है ओके okay, डन, देते हैं नाराज हो जाएगा वरना कि मेरे को क्यों नहीं लिखा आओ भाई अब बात करते हैं बोरॉन एल्यूमिनियम गेलियम इंडियम थेलियम ठीक है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी का भी आप उठाकर दे सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम परमाणु क्रमांक थर्टीन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी वन ठीक अब थ्री पी वन पी टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स मोजले ने नहीं कहा था कि एक ही ब्लॉक में होना चाहिए उन्होंने आवर्त बोला था तो आवर्त में ऊपर से सभी तत्व जो होते हैं उनका ब्लॉक सेम होता है लेकिन P में P का ही होगा, D में D का ही होगा ब्लॉक क्या होता है सेम P ब्लॉक में सब P में ही चल रहे है। चल रहे हैं ना यहां पर P1, ठीक है कार्बन की बात करें तो P2, P3, P4, P5, P6, फोर पी ठीक है भाई बात समझ में आ गई चलते हैं लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तो सब में यहां पर एन पी वन, एन पी वन, एन पी वन, में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। या ना क्योंकि एक समूह में आने वाले सभी जो तत्व होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कक्ष का समान होता है बात क्लियर हो गई बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घट रहा है कौन सा गुण बढ़ रहा है ए गुण या ना के गुण बढ़ रहे हैं साथ ही जो शून्य समूह है या यूं कहूं जो अठारवा वर्ग है वो अक्रिय गैस का है क्यों है क्योंकि इन सब में इलेक्ट्रॉन एनपी सिक्स एनपी सिक्स यानी कक्ष पूर्णपूरित इन्हें हम क्या कहते हैं इन्हें हम कौन से तत्व कहते हैं अक्रिय तत्व या जो क्रियाशील नहीं होते हैं राइट इनकी सबकी संयोजकता हमेशा क्या होती है इनकी संयोजकता शून्य होती है क्या होती है बच्चों शून्य होती है साथ ही अगर फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, आयोडीन की बात करें तो इन्हें हेलोजन तत्व कहा जाता है। कौन से तत्व कहा जाता है, तत्व कहा जाता है। बात समझ में आई सबको क्लियर हुई फटाफट नोट करेंगे जल्दी से जल्दी चलते हैं आगे अगला पॉइंट डी ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं किसी भी क्या तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ने में बढ़े हुए नाभिक आवेश को प्रति संतुलित करने वाला इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा है या उपकोष में भरा है तो उसे डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं राइट चलते हैं आगे तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एन माइनस वन एन एस टू क्यों भाई ध्यान दो अगर बेटा हम बात करें इस तरह से तो अपन देखते हैं कि अपने पास एस पी डी और एफ यू ही तो चलता है लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम लिखते हैं वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर एस और आप जानते हैं कि इस d की ऊर्जा फोर एस से ज्यादा है ये बात मैं पीछे बताकर आई हूं यस yes और नो no? जल्दी बताओ अधिक इसलिए और इसकी कम ऊर्जा होगी इसलिए पहले इसको बढ़ते तो अपन क्या लिखेंगे एन और डी सही है तो अगर डी के लिए लिखोगे तो क्या हुआ ये तो एन एस हो गया तो ये क्या हुआ एन माइनस वन डी बोलो यस और नो यहाँ बच्चों को दिक्कत रहती है इसीलिए मैं ये करके समझा रही हूँ अगर आपके पास ये कक्षक हैं तो अपने पास यदि यहाँ पर थ्री है और यहाँ पर फोर एस है तो अपन इसको क्या लिखेंगे एन एस और एन माइनस वन डी यस और नो बात समझ में आ गई होगी क्लियर जल्दी बता दो जल्दी बता दो यस मैम ओके जी ओके okay. बात समझ में आ गई तो फटाफट इसको उतारेंगे जल्दी से क्लियर करेंगे साथ ही एक बात और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं इसमें कोई शक नहीं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा सकते हैं इनमें ये कैपेसिटी होती है इनके पास इतनी ऊर्जा होती है एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जा सकते हैं साथ ही संक्रमण तत्व होने की वजह से इनकी ऑक्सीकरण अंक में भी क्या होती है वेरिएशन आता है इनकी ऑक्सीकरण अंक प्लस टू जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी होती है और प्लस टू से प्लस, से प्लस सेवन तक यानी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी डी ब्लॉक के मैग्नीज जो एलिमेंट होता है उसकी होती है क्योंकि उसके बाहितम कक्ष में सात इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होती है इसलिए प्लस सेवन तक ये जा सकता है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटाफट लाइक करेंगे जल्दी से जल्दी ताकि मैं आगे बढ़ सकूं अब चलते हैं इसके विशेषताओं पर विशेषता कहती है कि इनकी गलनांक को इतना उच्च है क्योंकि कठोर धातुएं हैं अनुचुंबकीय प्रवृत्ति की होती है। बेटा अगर किसी भी तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है अब आप ये तो जानते ही ना अयुग्मित मतलब क्या अयुग्मित का मतलब होता है जैसे एक कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं पी में अपने पास तीन कक्षक हैं तो अपन देखते हैं कि अपने पास चार इलेक्ट्रॉन है तो अपन इस तरह भर दिए तो इसमें दो क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यह क्या हो गया गुण कैसा हुआ अनुचुंबकीय ये कलरफुल होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन आय युग्मित होते हैं वहां पर वो हमेशा कलरफुल कलरफुल होते हैं क्लियर जैसे क्षार है पर मृदा क्योंकि उनमें बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन युग्मित है ओके इनका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन आसानी से कर सकते हैं इनमें ऊर्जा की मात्रा अत्यधिक होती है एक नजर डालते हैं तत्वों पर देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, निकल कॉपर जिंक डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं राइट डी ब्लॉक के एलिमेंट में थ्री डी थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी चार डी कक्षक हैं, थ्री डी फोर डी फाइव डी और सिक्स डी और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देख ही चुके हैं तो इस प्रकार ये डी ब्लॉक के तत्व हैं और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था प्लस टू जो है वो हमेशा ही नहीं अब चलते हैं अगला ब्लॉक आपका एफ ब्लॉक ये क्या होता है एफ ब्लॉक वही परिवार सेम इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एनएस टू F one to fourteen एन minus one डी zero to one एन S two यस और नो जल्दी बताएंगे जल्दी कैसे हुआ किसी भी नाभिक में यदि आप बात करेंगे तो अपने पास अपन ऊर्जा स्तर देख के आए हैं तो अपने पास थ्री डी फोर एफ और क्या होता है थ्री डी सॉरी ध्यान दो शुरुआत जो होती है वो होती है आपके कहा से फोर एफ फाइव डी और सिक्स हमेशा f ब्लॉक का कोई भी तत्व आज आप उठाकर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेना क्योंकि आपको मैंने सिखाया हुआ है तो आप देखेंगे पहले तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप नोट करेंगे तो वो इस तरह से आएगा और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ n की वैल्यू छ है तो यहाँ n माइनस वन डी हो गया और यहां पर चार है तो एन माइनस टू एफ हो गया क्लियर बात समझ में आ गई तो ये वो संक्रमण तत्व हैं और संक्रमण तत्व के भी अंदर ये उपस्थित है तो कहेंगे अंतर संक्रमण तत्व। क्लियर बात समझ में आ गई तो फटाफट यस में हम लिखो उपकोशों में भरा जाता है जबकि एफ ब्लॉग में अंतर संक्रमण तत्व एन माइनस टू में भरा जाता है जो एक अंतर उपकोश होता है क्लियर बिल्कुल जी बिल्कुल ये चीजें आपको बताई तो गई हैं पर फिर भी एक बार समझना जरूरी है चलू आगे ओके चलिए आगे चलते हैं इनकी विशेषताएं देखो बेटा निचले भाग के तत्वों में अपने ने देखा ये रहे ये लैंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स हैं नीचे उपस्थित हैं तो ये कहते हैं क्या कहते हैं के इस निचले भाग में तत्वों की दो पंक्तियां जिन्हें लैंथेनॉइड्स जिनकी जो सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक चलती हैं एक्टिनॉइड टी से लॉरेंशियम तक जाती हैं तो वो तत्व चौदह तत्व होते हैं इनमें कितने होते हैं चौदह डी ब्लॉक में कितने होते हैं दस तत्व पी ब्लॉक में कितने होते हैं टोटल दस या एक आवर्त की बात कर रही हूं मैं दस एक आवर्त में चौदह एक आवर्त में छह तत्व होते हैं और पी में एक आवर्त में दो क्लियर बात समझ में आ गई तो ये कह रहा है तत्वों की इन दो श्रृंखलाओं को आंतरिक संक्रमण तत्व एफ ब्लॉक के तत्व कहा जाता है प्रत्येक श्रंखला के भीतर तत्वों के गुण काफी समान है एक्टिनोइड श्रृंखलाओं के अधिकांश तत्व रेडियो सक्रिय होते हैं यानी वो क्या करते हैं रेडिएशंस का उत्सर्जन करते हैं रेडियो सक्रिय तत्व कौन से होते हैं जो क्या करते हैं रेडियश का उत्सर्जन करते हैं यानी एक तत्व दूसरे के तत्व के ऊपर जब कभी भी कोई रेडिएशन उत्सर्जित करता है तो वो तत्व हमेशा क्या कहलाता है रेडियो सक्रिय तत्व कहलाता है तो एक नजर डालते हैं तो देखो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइड्स। एक्टिनियम के बाद जो तत्व बाहर निकाल दिए गए थोरियम प्रोटेक्सीनियम यूरेनियम नेपट्टोनियम प्लूटोनियम सीरियम, ब्रकेलियम, कैलिफोर्नियम, फर्मियम, और और बात समझ में आ गई तो ये तत्वों के नाम हैं मैं बस इतना बताना चाह रही हूँ कि एक्टिनियम के बाद जो तत्व आते हैं उन्हें एक्टीनोइ तत्व कहा जाता है वहीं लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को तत्व कहा जाता है के बाद आने वाले क्या कहते हैं बच्चों कहा जाता है और इन्हें आंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्योंकि ये N -2 कक्ष में भरे जाते हैं बात क्लियर हो गई बात समझ में आ गई इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी देख लिया है अब चलते हैं हम आपको ये सब उतारना है अच्छे से पीडीएफ आपको मिल जाएगा जिसको भी चाहिए कमेंट में लिख दें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे आप वहां से उठा लेना okay, चलते हैं आगे अब है अगला धातु बेटा कौन सी आवर्त सारणी में तत्व होती है? कौन सी अधातु होती है उनके गुण धातुएं आपको सबको पता है ना सेवेंटी एट परसेंट है में धातुएं हैं आवर्त सारणी बाई और दिखाई देती हैं धातु कमरे के ताप पर ठोस होती हैं धातु में आम तौर पर उच्च गलनांक और क्वनांक होते हैं बिजली के अच्छे चालक होते हैं और ये लचीले भी होते हैं बोलो सही है कि नहीं जल्दी बताओ ये गुण आपको पता है या नहीं तनन्य सामर्थ्यता भी होती है आघात वर्धनीयता भी होती है विद्युत के अच्छे चालक होते तन्यता जानते हैं ना जिन्हें क्या करते हैं खींच कर लंबा किया सकते हैं पता है ना सोने के तार को चांदी के तार को वहीं पर पीट कर चद्दर बनाई जा सकती है लोहे के दरवाजे नहीं बनते एल्यूमिनियम के दरवाजे नहीं बनते yes. क्लियर चलते हैं आगे अधातुएं क्या होती हैं अधातुओं का क्या कॉन्सेप्ट है जरा ध्यान दो जो धातुओं के गुण उनके उल्टे कर दो तो क्या बन जाती है अधातुएं बन जाती है सही है कि नहीं बिल्कुल है तो अपन चलते हैं सबसे पहले अधातुएं आवर्त सारणी के शीर्ष दाई और इस तरफ होती बिल्कुल इनके पिघलने और क्वनांग वाले कम ताप पर ठोस या गैस हो जाती है सही है उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है गैर धात्विक गुण बढ़ता जाता है बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटता है अधात्विक गुण बढ़ता है सही है और ये भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं लचीले नहीं भंगुर मतलब पता है क्या जला सा पीटते ही पूरा बिखर गया भंगूर प्रवृत्ति के होते है, हाँ है? भंगुर प्रवृत्ति कड़क है लेकिन गिरते ठीक है, जल्दी से उतारो फटाफट 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 चलते हैं आगे चले जी हाँ जी हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल चलो आगे अगला है उपधातु जिन में। जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हो जिनमें धातु प्लस धातु दोनों के गुण मौजूद हो उन्हें उपधातु कहा जाता है सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सेनिक एंटीमनी टेल्यूरियम आदि क्लियर अगला नोबल गैस नोबल गैसें आदर्श गैसें जो इलेक्ट्रॉन ना देती है ना लेती है राइट ऐसी धातुएं ऐसे गैस नोबल गैस कहलाती हैं। अठारहवें वर्ग में मौजूद हैं। इस अवधि में नोबल गैस तत्व के साथ साथ प्राप्त होती हैं सदस्य गैस ये प्रवृत्ति के होते हैं पूर्ण कक्षक पूर्ण पूरित होता है रासायनिक संयोजन भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है इसीलिए इन्हें अक्रिय गैस से कहा बोलो हाँ या ना बात समझ में आई या नहीं क्लियर हो गई ब्लॉक्स के बारे में पता चल गया बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह से से जिसमें देखा एस ब्लॉक पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और नीचे एफ ब्लॉक उपस्थित होता है एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एन एस वन टू टू राइट पी ब्लॉक जहां पर कक्ष पी में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ब्लॉक के तत्व धातु संक्रमण तत्व भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह स्थानांतरित होते रहते हैं थर्ड पॉइंट इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है एन एस क्या अनस्टू n 1 d 1 टू 10 क्लियर वही f ब्लॉक की बात करें तो ये लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बाद शुरू होते हैं d ब्लॉक में से इन्हें अलग किया जाता है साथ ही ये रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n 2 f 1 टू 14 n 1 d 1 टू 10 और n s 2 होता है राइट इनके गुणों के बारे में जाना तो बात क्लियर हो गई होगी तो आप आओ थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं के साथ कि अपने पास जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो कौन से होते हैं यानी किसी अवध सारणी का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्व कौन से होते हैं हमेशा चार धातुएं और छारे मृदा धातुएं साथ ही वर्ग तेरह से सत्रह के तत्व प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं जो लीड करते हैं राइट हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ भी है कौन से तत्व होते हैं एस और पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व लेंथेनोइड्स को कहा जाता है और ये यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम तत्व कहते हैं सो वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके बच्चा पाठी जल्दी से उतारो फटाफट 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 अब बढ़ते हैं हम आगे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे जल्दी जल्दी किस तत्व की परमाणु संख्या बारह है बताओ जल्दी बताओ कौन सा तत्व है सल्फर क्लोरीन मैग्नीशियम और सोडियम बताओ जल्दी 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 कौन सा आंसर सही होगा जल्दी बताओ भाई बता दिया अच्छा कौन सा आंसर सही है Very good, very good, excellent students. Magnesium twelve होता है. Very good, बेटा. Yes, ब्लॉक का तत्व है. ये चारी मृदा धातु हैं. और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? N two होता है. Clear? तो चलते हैं आगे. Second question. आधुनिक और सारणी के किस समूह में हेलोजन को स्थापित किया गया? हेलोजन तत्व कौन से होते हैं? वर्ग सोलह, सत्रह, अठारह, पहला और सत्रवां. बोलो ये तो अभी बताया था कौन सा वर्ग जल्दी बताओ सत्रवा वर्ग यस वेरी गुड बेटा वेरी गुड बच्चे कई बार मुझे कहते हैं मैडम कौन आंसर कर रहा है आपको कैसे अरे आप ही कर रहे हो आप ही कर रहे हो आंसर वही मैं दे रही हूं है ना तो सत्रवा वर्ग क्या होता है हेनोजन में वेरी गुड अगला प्रश्न ये रहा आधुनिक आर्थ सारणी में कितने तत्व दिए गए थे कितने मौज लेने कितने तत्व तो को खोज के बता दिया था सबसे ज्यादा एक सौ आठ सौ नाइनटी फोर वन वन एट जल्दी बताओ ये तो सबको आता है तत्व वन वन तो अब तक खोजे जा चुके हैं चले लास्ट क्वेश्चन इसका आंसर सभी सभी फटाफट देंगे किस तत्व की संयोजकता शून्य होती है भाई हीलियम लिथियम हीलियम और फ्लोरीन लिथियम बेरिलियम हीलियम फ्लोरीन कौन सी गैस अक्रिय गैस जिनके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन पूर्ण भरे हुए होते हैं इसलिए ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं तो बताओ कौन सा भाई हीलियम इसकी संयोजकता क्या होती है सदैव शून्य तो बच्चों बात समझ में आ गई अच्छा लगा तो फटाफट लाइक कर दो यस मैम लिख दो तो आपके सामने एक आवर्त सारणी नजर आ रही है हमने बेटा प्रतिनिधि तत्व के बारे में पढ़ना है पहला टॉपिक लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो है राइट ये जो आवर्त सारणी है बेटा इसके अंदर ये जो ग्रुप है राइट ये जो तत्व है और ये जो ग्रुप है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि ये एस है ये पी ब्लॉक है ये डी है और नीचे जो है वो एफ ब्लॉक है इसमें कोई है नहीं बिल्कुल नहीं आपको बात क्लियर भी है लेकिन ब्लॉक को कौन से तत्व कहा गया डी को कौन से तत्व कहा गया वैसे तो बताया गया है एस पी एस ब्लॉक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं इट्स नॉट ए बिग डील राइट बट ये कॉन्सेप्ट में एस और पी को भी क्या कहते हैं नीट और जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ओके तो बात समझ में आएगी अब एस और पी को इंडिविजुअल मिलाकर क्या कहा जाता है तो सबसे सब पहले बात करते हैं अपना जिसका नाम है क्या प्रतिनिधि तत्व प्रतिनिधि तत्व का मतलब क्या होता है जरा ध्यान दो जैसे अपने पास एस और पी ब्लॉक के तत्व होते हैं तो उन तत्वों में क्या होता है कि जो बाह्यतम कक्ष होता है क्या होता है बेटा जो कक्ष होता है और जो उसके अंदर आंतरिक कक्ष कक्ष होता है है right? राइट कैसे मैडम अच्छा ये रहा। है? ये रहा ठीक हो गए अगर इसमें एन की बात करूं तो एन माइनस वन भी तो है राइट right? तो अपन ये एन है तो ये एन माइनस वन है और ये यहां पर एक मैं और बना दूं <coughs> तो वो हो जाएगा क्या आपका मैं ठीक से बना देती हूँ ताकि मेरे बच्चों को चीजें क्लियरली दिखाई दे ओके तो देखो बेटा ये हो गया कक्ष एक दो तीन राइट ऐसे बहुत सारे कक्ष होते हैं तो ये एन हो गया एन माइनस वन हो गया एन माइनस टू हो गया ठीक है ये हो गया बाह्यतम कक्ष यस और ये हो गया आंतरिक कक्ष ठीक है बाह्यतम कक्ष तो क्या हो पूर्ण पूरित हो लेकिन आंतरिक जो कक्ष है वो अर्धपूरित हो ठीक जिन तत्वों में ये गुण पाया जाता है वो तत्व किसी दूसरे के साथ जुड़कर अपना ही गुण दिखा देते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चार्य तत्व लिया एनी और उसके साथ में आपने वाटर को वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व किया तो अपने पास NaOH बना है ना ये जनरल रिएक्शन है तो अपने पास ये क्या बना क्षार बना ना हाँ या ना बात समझ में आई यस और नो जैसे लिथियम लिया लिथियम की रिएक्शन H2O के साथ कराई लिथियम हाइड्रोक्साइड बना राइट क्षारीय यौगिक बना यानी जब कोई यो तत्व दूसरे के साथ जुड़कर अपने ही गुण को प्रदर्शित करे इट मींस उसका प्रतिनिधि है वो यानी कि उसको अपना गुण जो है वो दे रहा है इसीलिए कहा गया प्रतिनिधि तत्व क्लियर बात समझ में आई तो ये हो गया आपकी ये बात तो क्लियर हो गई कि प्रतिनिधि तत्व कौन से होते हैं जो अपना गुण दूसरे में दिखाई रखते हैं है ना वो उसके ऊपर प्रभावी होते हैं। क्लियर बात समझ आई अब चलते हैं हम आगे तो ऐसे तत्व जिनमें बाह्यतम कक्ष पूर्णपूरित हो और आंतरिक कक्ष क्या हो अर्धपूरित हो अच्छा 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 सॉरी सॉरी बाह्यतम कक्ष जो है वो तो हो अर्धपूरित और आंतरिक कक्ष क्या हो पूर्ण पूरित हो क्या हो भाई पूर्णपूरित ठीक है तो उन्हें कहा गया क्या उन्हें कहा गया प्रतिनिधि तत्व क्लियर कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं होना भी नहीं चाहिए तो ये चीजें तो क्लियर हो गई तो ये अपना गुण प्रदर्शित कर लेते हैं वो क्षारी तत्व होते हैं और जो क्या हो पूर्ण पूरी की जाए क्या लिख देना अर्धपूरित और आंतरिक कक्ष पूर्ण पूरी हो क्लियर अब ऐसे तत्व कौन से हैं राइट वो चेक करेंगे तो अपने को इसकी परिभाषा की ओर एक बार बढ़ ले ताकि आपको बात क्लियर हो जाए ठीक है बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को तो अब देखो भाई आइए तो सबसे पहले लिखा है कि चार धातु समूह फर्स्ट सेकंड तेरह से सत्रह प्रतिनिधित्व बनाते हैं प्रतिनिधित्व समझ में आ गया जो अपना गुण दूसरे में दिखाते हैं जो प्रभावी होते हैं प्रतिनिधित्व करने वाले राइट वे व ब्लॉक के तत्व हैं ठीक है दूसरा है प्रतिनिधि तत्व एक आवर्त सारणी जो है आपकी इस तरह की उस आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा है प्रतिनिधि तत्व और बेटा क्या संक्रमण तत्व तो संक्रमण तत्व कौन से होते हैं संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं डी ब्लॉक के तत्व होते हैं संक्रमण तत्व कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इनमें डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो केवल डी का डी में ही ट्रांजिशन देते हैं इसलिए ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा इनमें एफ ब्लॉक के तत्व भी आ जाते हैं जिन्हें एक्टिनॉइड और लेंथिनोड कहा जाता है कोई दिक्कत नहीं सही बात है तो अब चलते हैं हम थोड़ा सा एक आपके स्क्रीन पर एक डायग्राम समझ में आ रहा है जिसमें ये कह रहे हैं कि आपके पास में वन ए फर्स्ट सेकेंड और ये तो ये कह रहे हैं कि अपन ने भी बात की थी ना कि अपने पास बाह्यतम कोश अपूर्ण हो आंतरिक कोश पूर्ण पूरी हो तो ध्यान रखो बाह्यतम कोश क्या हो अपूर्ण जो केवल और केवल किस में होता है इस में ही होता है, ठीक इन सब में केवल यही तक होता है क्योंकि ये तो पूर्ण पूरित है हाँ ना बात समझ बाह्यतम कोश अपूर्ण जो है वो केवल एस में ही तो है फर्स्ट कोश में ही तो है आप देख सकते हैं किसी का भी लिख के जैसे तो सोडियम है तो सोडियम में क्या होता है 1S2, 2S2, 2P. क्या 6, 10 हो गए 11 ना आंतरिक पूर्ण बाह्यतम कोश पूरी है या अपूर्ण है क्लियर इसीलिए इनको क्या कहा गया है प्रतिनिधित्व सेकंड को नहीं क्यों नहीं यहाँ लिख तो रहा है लेकिन ये अपवाद है यहाँ पर ठीक है क्योंकि यहाँ पर यदि आप किसी का भी लिखें जैसे लिथियम है बोरॉन है बेरिलियम है सॉरी तो बेरिलियम में कितना होता है चार परमाणु का राइट यानी कि आंतरिक और बाह्य दोनों ही पूर्ण पूर्ण है इसलिए प्रतिनिधित्व नहीं है कि किसी के साथ जुड़ेंगे तो अपना लक्षण कैसे प्रदर्शित करेंगे क्योंकि इनके पास ना तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए है ना ये ले सकते हैं क्लियर बात समझ में आ गई तो इसलिए कहा गया है कि ये जो तत्व होते हैं उनमें क्या होता है अगर आप की टूपी लिख भी दें तो टूपी खाली है ठीक है तो इस वजह से इसने अपवाद स्वरूप ये बात कही है कि ये जो समूह होते हैं वो भी क्या होते हैं सेकंड ब्लॉक वाले भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं बट मेनली कौन होते हैं फर्स्ट वाले ओके okay? क्लियर अब इसमें भी बात समझ में आ गई ये कांसेप्ट सेम यहाँ लगना है ये बातें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनो फिर संक्रमण तत्व तो पता ही है कि ये डी ब्लॉक के तत्व हैं जो बीच में रखे गए हैं 3D 4D 5D 6D ओके डन क्लियर कोई डाउट नहीं है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे कहते हैं कई बार मैम आप साइड हो जाएंगी तो हम स्क्रीनशॉट ले लें कोई दिक्कत नहीं है आप जब आप देख रहे हैं तो उस समय वहां पर रोक करके उस चीज को देख सकते हैं ताकि आप अपने नोट्स में इन चीजों को उतारना जरूर बच्चों पता पता ही नहीं होता है पता है जब नीट देने जाते हैं ना वहां पर बच्चों को पूछा जाता है मेन ग्रुप इलिमेंट्स कौन से होते हैं बच्चा सोच जाता है मेन मेन ग्रुप एलिमेंट होता क्या है ये जो प्रतिनिधि तत्व होते हैं ना इन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं ओके तो ध्यान से एस और पी ब्लॉक के तत्वों को हम मेन ग्रुप कहते हैं और क्यों कहते हैं क्योंकि जिनके साथ रिएक्शन करते हैं उसमें अपना लक्षण करते तत्व। ये तो सब जानते हैं आंतरिक संक्रमण तत्व किसे कहते हैं लेंथेनम के बाद आने वाले तत्वों को, को एक्टिनोइड तत्व कहा जाता है एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता है लेंथेनोइड तत्व होते हैं लेंथिनम के बाद जो तत्व आते हैं वो लेंथिनोइड एक्टिनम के बाद आते हैं वो एक्टीनोइड होते हैं उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को ट्रांस यूरेनियम मुझे आज भी याद है बच्चों जब मैं खुद इलेवेंथ में थी तो ये क्वेश्चन आया था ट्रांस यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं तो उस समय भी ये क्वेश्चन आया था जहां हमने किया था और ये क्वेश्चन जो है वो मेरा गलत हुआ था और भविष्य में आज तक जितने भी बच्चों को मैंने पढ़ाया है दस सालों में आज तक किसी बच्चे ने गलत नहीं किया क्योंकि जो सीख मैंने अपनी गलती से ली वो मैंने बच्चों में ट्रांसफर की है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आता ही है ट्रांस यूरेनियम तत्व यूरेनियम के बाद वाले तत्वों को जैसे लेंथनॉइड है तो यूरेनॉइड कहना चाहिए ना बट नाम ट्रांस यूरेनियम है ओके okay, तो बात क्लियर हो गई तो याद रखना आप भी कहते हैं चीजों को भूल जाना चाहिए जो हो जाए पास उसे भूल जाओ हाँ भूल जाओ लेकिन उससे जो मिली सीख है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए ओके okay, चलते हैं आगे क्लियर हो गया टॉपिक जैसे अपने पास लेंथेनम है तो लेंथेन के बाद में ये आता है ना सीरियम पेरासोडियम नियोडाइमियम प्रोमिथियम समेरियम यूरोपियम गोडोलिनियम है ना इस तरह के सारे तत्व जो हैं वो क्या कहलाते हैं ट्रा आ, तत्व कहलाते हैं वहीं पर सीरीज़ जो होती है एक्टिनियम के बाद आते हैं अब यूरेनियम ये रहा इस यूरेनियम के बाद वाले तत्व हमेशा क्या कहलाते हैं बेटा ट्रांस यूरेनियम तत्व कहलाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अपन यहाँ पर देखेंगे चलो यही भी बता देती हूँ कि जो अपन एक्टेनोइड तत्वों को पढ़ते हैं तो इनमें लगभग लग सभी तत्व जो होते हैं वो पता है क्या होते हैं बेटा वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं रेडियो एक्टिव तत्वों की श्रेणी में आते हैं ध्यान रखना लगभग लेंथेनोइ एक्टेनोइड की जो सीरीज में जो तत्व है वो सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव होते हैं ओके बात समझ में आ गई चलिए चलते हैं आगे की ओर जरा देख लेते हैं अब अपने पास है अपना अगला टॉपिक आवर्त सारणी में आवर्त गुणों का रुझान अच्छा आवर्त सारणी में आवर्त गुण का मतलब क्या जरा ध्यान दो आवर्त गुण का मतलब होता है कि जब आप आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं तो उस आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं जब आप जा रहे हैं तो उनके आकार में कैसा परिवर्तन होता है उनकी ऊर्जाओं में क्या परिवर्तन होता है ये आवर्तित गुण है आवर्तित मतलब गुणों में रिपीटेशन जब होता है ऊपर से नीचे दाएं कैसे कौन से गुण है वो जो रिपीट हो रहे हैं क्लियर उनको डिस्कस करना होता है तो दिमाग में चीजों को क्लियर रखो बच्चे कई बार पूछते हैं कि मैडम हम जब पढ़ते हैं तो हम कन्फ्यूज नो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है अगर आपको टॉपिक का बेसिक पता है तो मैंने बता दिया है आवर्तित गुण मतलब ऊपर से नीचे बाएं से दाएं क्या परिवर्तन होता है किसी भी गुण में तत्वों के अंदर तो वही उसका आवर्तित गुण है राइट बात क्लियर हो गई तो फटाफट देखेंगे जल्दी से अपन कि अपन सबसे पहले देखेंगे भौतिक गुणों में रुझान भौतिक गुण बाहर से देख कर जो चीजें पता चल जाती है राइट परमाणवीय त्रिज्या रा, राइट परमाणवीय त्रिज्या क्या होती है इसे नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉन वाले सबसे बाहरी शेल तक की दूरी के रूप में मापा जाता है ठीक अब सोचो परिभाषा से कैसे होगा? आओ इधर देखो एक परमाणु है इसका नाभिक और इसका कक्ष, ठीक है बेटा? तो अब कहा गया कि इस नाभिक से बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन से नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है परमाणु कोई भी परमाणु है उस परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी जहां पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होने चाहिए खाली तो कोई कक्ष होगा ही नहीं जब वो खाली होगा तो वो वहां से हट जाता है डन तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन हो तो वो बाहरी कक्ष जो है उनके बीच की दूरी क्या होती है बेटे हमेशा परमाणु त्रिज्या परमाणु में परमाणु त्रिज्या राइट अणु में आणविक त्रिज्या क्लियर चलते हैं आगे तो कहा इस त्रिजा को नाम दिया गया अलग अलग देख अगर कोई परमाणु है वो सांझा कर रहे हैं तो त्रिज्या हो गई फिर आयन है तो आयनिक सह हो गई त्रिज्या तो और धात्विक त्रिजा ये क्या होती है जरा एक बार नजर डालते हैं तो अब अपने को जब त्रिजाएं पढ़नी है तो अपन देखेंगे यहाँ पर कि अपनी आवर्त सारणी में ये जो त्रिज्याएं हैं जब अपन बात कर रहे हैं कि अपने पास कोई भी है, या यूं कह दूं कि कोई भी आकार है परमाणु का है ना ये इतना है। फिर एक अक्षक बड़ा, फिर दूसरा बड़ा। तो परमाणु क्रमांक ज्यादा बढ़ रहे हैं ना हाँ या ना कितना मैंने पीछे कितना बताया था कमेंट में बताओ मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने पीछे बता दिया है जल्दी बताओ कौन सा था दो आठ आठ अठारह अट्ठारह और बत्तीस यस और नो यानी कितने इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जब तत्व में बदलता है यहां से यहां आने में यहां से यहां आने में कितना चेंज है भाई तो आकार में ज्यादा वृद्धि होती है जबकि बाएं से दाएं आकार में कमी होती है क्योंकि इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो पाता है राइट बात समझ में आ गई तो इसलिए कहा जाता है कि ये सब चीजें जो होती हैं इनमें अपन ये देखते हैं कि तत्वों की जो त्रिज्याएं होती है वो किस तरह इफेक्टेड होती है Okay, चलते हैं तो सबसे पहले बताया है सह संयोजक त्रिजा सहसा क्या होती है जरा ध्यान देंगे अपने पास कोई परमाणु है परमाणु ए। ठीक परमाणु लिखा है सेकंड परमाणु ठीक ठीक इन परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा हमेशा क्या कहलाएगा जक पर ये क्या होने चाहिए उदासीन क्या होने चाहिए उदासीन हमेशा उदासीन हमेशा जब परमाणु है तो उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है सह संयोजक कहलाता है सेकंड क्या है आयनिक त्रिज्या अब जो आपने परमाणु लिया है वो धनायन होगा या फिर ऋणायन अगर परमाणु आयनित है आयन का मतलब होगा क्या धनायन या फिर ऋणायन या तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है दान कर रहा है? या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है राइट right, बात समझ में आ गई तो कहा गया कि धनायन और जब ऋणायन हो तो उन आयनों में ये भी आयन है और ये भी आयन है तो आयनों के परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है आयनिक कहलाता है। देखो क्या कह रहा है? आयन के नाभिक के नाभिक से दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है इसे आयनिक बंध भी कहा जाता है ये बंध जो इनके बीच में है इसे हम क्या कह सकते हैं आयनिक बंध भी कह सकते हैं आयनों के बीच की दूरी राइट धनायन है ऋणायन है उन आयनों के चाहे प्लस है दोनों चाहे माइनस है दोनों तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा आयनिक होगी या फिर सीधा भी कह सकते हैं किसी भी प्लस चार्ज वाला है तो इसके बाह्यतम कक्ष से आंतरिक कक्ष के बीच की दूरी या नाभिक से बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी बस वो क्या होना चाहिए आयनिक होना चाहिए क्लियर बेटा बात समझ में आ गई यस और नो जल्दी से कमेंट में बताएंगे जल्दी 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 चलते हैं आगे अगला आता है वॉन्डरवॉल्स रेडियस यानी त्रिज्या वॉन्डरवॉल त्रिज्या पता है क्या होती है वॉन्डरवॉल त्रिज्या होती है बेटा क्या गैसीय अणु गैसीय अणु अब गैसीय अणु क्या हुआ जैसे कि H2 समान H2 H2 तो यहां लिख दिया ये H2 अणु है ठीक है ये भी H2 अणु है ये अणु बना कैसे जरा ध्यान दो अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको मैं ऐसे भी दिखा सकती हूं आ जाओ चलो इसको हटाओ यहां पर अपने पास क्या है यहां पर अपने पास ये ठीक ये अणु इसमें दो परमाणु हैं, जिसमें ये दो परमाणु अब ये दोनों फ्यूज हो गए और ये बन गया एक अणु ये भी फ्यूज हो गए और ये बन गया अणु अणुनो yes no? अब इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है त्रिजा, दूरी का आधा अणुओं के बीच अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है वॉन्ड्रॉल त्रिज्या कहलाता है जैसे नोबल पर कौन सी सह संयोजक त्रिजा क्या होती है सह संयोजक परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा दो परमाणु है राइट समझ में आ गई बात ऐसे ही आपके पास आयनिक त्रिजा में भी क्या होता है दो आयनिक परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा या नाभिक से बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी हमेशा क्या, क्या कहलाती है कौन सी आयनिक त्रिज्या क्लियर चलो आगे ओके अच्छा ये समझ में धात्विक त्रिज्या क्या होती है आ जाओ धात्विक त्रिज्या क्या होती है वही कोई भी परमाणु है पर वो धातु होना चाहिए आयनित फॉर्म में नहीं धातु होना चाहिए उस धातु के बाह्यतम कक्ष से नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी धात्विक त्रिज्या कहलाती है या यूं कहूं दो धातुओं परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा क्या कह सकते हैं अच्छा लिख दूं यहाँ ये लो ये धातु है परमाणु ये भी धातु परमाणु धातु परमाणु ये भी धातु परमाणु ठीक है इनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा क्या कहलाता है धात्विक त्रिज्या कहलाता है और ये क्या कहलाता है वॉन्डरबॉल त्रिज्या राइट बात समझ आई या नहीं क्लियर हो गया टॉपिक ओके डन आ जाओ जी आ जाओ फटाफट उतारो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज्यादा आइए बच्चों आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ऊपर से नीचे हमेशा एक ही बात ध्यान रखो परमाणु क्रमांक समानुपाती परमाणु त्रिज्या ये वो कॉन्सेप्ट है जो आपको जिंदगी में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करा सकता कभी भी नहीं चैलेंज फॉर यू रियली कभी नहीं होगा हो ही नहीं सकता है राइट right? तो ये बच्चे जो नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राइट ठीक है तो आकार बढ़ता है आकार क्रमांक बढ़ेगा आकार बढ़ेगा आकार बढ़ेगा तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ना ही तो त्रिज्या त्रिज्या बढ़ेगी क्लियर बात समझ में आई तो अब ये क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एक अवधि में भिन्नता एक अवधि के साथ तत्वों की परमाणु त्रिज्या आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर घटती ध्यान दो बच्चों आ जाओ क्यों घटती है ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं पता है क्यों बाएं से दाएं अगर आप जा रहे हैं तो वहां पर क्या होता है पता है एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है आप देख सकते हैं आपको मैं दिखा सकती हूँ देखो इधर देखो अपने बाएं से ऊपर से नीचे आओ ऊपर से नीचे आओ दो आठ आठ अठारह आठ आठ, अठारह बत्तीस कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे हैं। हाँ या ना, बस लेकिन ये सब बाह्यतम कोश में ही बढ़ रहे आंतरिक कोश में नहीं लेकिन जब आप ऊपर बाएं से दाएं जाते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है ठीक है जब एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और वो एक ही कोश में बढ़ रहा है राइट तो क्या होता है धीरे 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 क्या होता है कि आंतरिक कक्ष के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देते हैं और अंदर वाले कक्षों को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन से दूर होएंगे और आंतरिक कक्ष से अंदर की तरफ आ जाएंगे तो क्या होगा उससे क्या होगा संकुचन पैदा होगा तो आकार में क्या जाती है एक प्रकार की कमी हो जाती है क्लियर बात समझ में आई यस और नो फटाफट बताओ तो ही कहा गया कि बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है और ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है किसकी तुलना में इन ऊपर से नीचे इनकी तुलना यदि आप करें तो ये आपको कमी दिखाएगा और ये वृद्धि ऐसा नहीं बढ़ेगी नहीं बढ़ती है लेकिन इसकी तुलना में में कम तो तो कमी क्लियर बात समझ में आई तो अब मैं यहां पर यही बात बताने वाली थी क्लियर तो आ जाओ तो अब ये कह रहे हैं कि समूह में भिन्नता आवर्षाने प्रत्येक समूह में तत्वों की परमाणु त्रिज्या नीचे की ओर आने पर क्या होती है बढ़ती है आयोनिक त्रिज्या किसी आयन की बात करें तो आयनिक त्रिज्या का अनुमान आयनिक क्रिस्टल में पिंजरों और आयनों के बीच की दूरी के बराबर लगाया जाता है सामान्य तौर पर तत्वों की आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या के समान प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है यानी परमाणु त्रिज्या समानुपाती आयनिक त्रिज्या मतलब किसी आयन की त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है और बाएं से दाएं जाने पर कम होती है बढ़ती है ठीक है बेटा क्लियर हो गई हाँ या ना जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट समझ आई कि नहीं जल्दी 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 मेरे लाल गोपाल जल्दी बताओ बेटा हो गया ओके आ जाओ अब आयन में दो प्रकार के होते हैं तो केटायन होते हैं और एक होते हैं एनाइन केटाइन में क्या होता है बाद में बात करेंगे चलो, पहले ही दुने दुने दुने। एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने में बनता है। है का मतलब होता है धनायन, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं कैटायन ठीक है भाई ओके। वहीं पर एक इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति से एक आयन होता है आयन की त्रिजा परमाणु के उस आयन से हमेशा बड़ा होता है ध्यान दो। एक इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति से एक आयन होता है आयन कौन सा आयन ऋणायन होता है और आयन का त्रिजा ऋणायन की त्रिजा परमाणु की त्रिजा से हमेशा ज्यादा होता कैसे सुनेंगे ध्यान से अच्छा बेटा ध्यान करना सोडियम ठीक है और एक प्लस ठीक इसका परमाणु क्रमांक ग्यारह है इसका एक दे दिया तो दस है एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया ध्यान दो।, दो तीन कक्ष बन रहे हैं। एक दो ही बन रहे हैं। देखो दो तीन तीन छ सात आठ दस और एक ठीक है दो आठ ना जल्दी बताओ ठीक बताओ किसका आकार कम है अगर आप कैटायन बना रहे हैं धनायन बना रहे हैं तो उस समय उदासीन परमाणु जो है उदासीन परमाणु का आकार सदैव क्या होता है बड़ा होता है किससे आयन से राइट right, वहीं पर यदि ऋणायन की बात करूं किसकी ऋणायन की बात करूं तो जरा ध्यान देना अगर मेरे पास क्या हो क्लोरीन हो और क्लोरीन माइनस हो ये थे सत्रह एक इलेक्ट्रॉन माइनस वन है इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो ये हो गया था ठीक सत्रह भरो इलेक्ट्रॉन दो आठ यस और नो जल्दी बताओ जल्दी आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह ठीक अब यहाँ आ जाओ दो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ दस हो गए ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह और अठारह हाँ या ना? तो इसकी तुलना में इसका आकार क्या होगा बढ़ा हाँ या ना जल्दी बताओ क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है क्लियर बात समझ में आ गई तो इसलिए कहा गया है कि धनायन का आकार उदासीन परमाणु से हमेशा कम जबकि ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु से सदैव क्या होता है अधिक होता है रीजन तो आपको मालूम चल ही गया है क्लियर बेटा मालूम चल गई तो फटाफट फटाफट उतारेंगे और जल्दी से कमेंट में लिखेंगे यस मैम अरे चुप चुप अंगुली मुंह पर रखो अभी हाथों से काम हो रहा है मुंह से नहीं मुंह पर बात नहीं करनी जल्दी बताओ जल्दी 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 अच्छा एक क्रम लिख के दिखाओ फटाफट कमेंट में सब बच्चे अपने एने बोरोन बी प्लस सी एल माइनस सी एल प्लस

अब मैं देखती हूँ आगे अब ये कह रहा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वैसे तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था सेकेंड चैप्टर में भी मैंने ये सब क्लियर किया था कि जो समइलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो क्या होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है समान होती है बस आप मुझे इस क्वेश्चन में इतना बता दें कि इनकी जो त्रिज्या है उसका त्रिज्या का बढ़ता हुआ क्रम बता दें बढ़ता हुआ क्रम इनका त्रिज्याओं का जल्दी और ये क्वेश्चन 101 प्रतिशत एग्जाम में आएगा 101 प्रतिशत त्रिज्याओं का क्रम बताओ जल्दी 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 ओके चलो आगे आ जाओ आओ देखें अब कह रहा है आयनाइजेशन एंथेलिपी यानी आयनाइजेशन एंथेलिपी क्या होता है आयनिक ऊर्जा क्या होती है आयनिक ऊर्जा क्या होती है जरा ध्यान दो किसी भी परमाणु के कोष से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा क्या की जाती है ग्रहण की जाती है वही क्या कहलाती है आयनन ऊर्जा कहलाती है आयनाइजेशन आयनन आयनन क्या कहलाता है ऊर्जा कहलाती है राइट बात समझ में आ गई होगी तो ये हो गया अब आवश्यक ऊर्जा जैसे आपने कहा एक धातु है और ये एम प्लस में कन्वर्ट हो गया इसने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया निकल गया तो इसने जो ऊर्जा ग्रहण की है जो ऊर्जा प्लस में इस तरफ लिखी गई है वो ऊर्जा ही उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है आयनीकरण तापीय धैर्यता की इकाई केज केजी पर मोल है और आयनीकरण क्षमता की इकाई प्रति परमाणु इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसे ईवी से भी प्रदर्शित करते हैं क्लियर चलिए आओ अब ये कहता है क्रमिक आयनाइजेशन एनर्जी जरा ध्यान दो कोई परमाणु है बेटा उसके बायतम कक्ष में चार इलेक्ट्रॉन है ठीक है आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो इस प्रकार एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा वो ग्रहण करता है वही उसकी क्रमिक आयनन ऊर्जा कहलाती है क्या कहलाती है क्रमिक आयनन ऊर्जा क्या कहलाती है जब किसी परमाणु में क्रम से या क्रमागत रूप से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो वह उसकी क्या कहलाती है आयनन ऊर्जा क्रमिक ऊर्जा कहलाती है एक निकला तो केवल आयनन ऊर्जा एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तो क्रमिक हो जाती है क्लियर इसको उतार लेना साथ साथ में ताकि बातें क्लियर हो जाए तो अब परिभाषा की ओर बढ़ते हैं परिभाषा कह रही है परमाणु परमाणु मतलब होता है उदासीन परमाणु से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को जब निकाला जाता है या एक 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 के के स्थान पर बाद निकाला जा रहा है तो क्रमिक आयनीकरण आईनीकरणी के रूप में इसे पहचाना जाता है क्लियर तो अपन आपके सामने एक डायग्राम दी एक फोटो आ गया है जिसमें एक है, राइट अब एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है परमाणु क्रमांक थर्टीन होता है राइट अब इसके बायतम कक्ष से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पर ध्यान ध्यान दो, पहले ध्यान दो, ठीक यहां पर आपने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए दो एक दो तीन चार फटाफट भरो पांच छ सात और आठ, दस हो गए, इसके बाद में कितना हुआ बेटा? एक, दो और तीन, तेरह हो गए। ठीक आपने इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला था, तो उदासीन था, फटाफट इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही दिया, तो इसकी एनर्जी कितनी आई? 570 मल, इसने क्या किया? इतनी ऊर्जा ग्रहण की इतनी सी ग्रहण की और इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया ठीक जैसे ही ये आयनित हुआ, प्लस चार्ज कह रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन की, की कमी है मैं नहीं देना चाहता हूं लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन क्या करें हम इलेक्ट्रॉन निकाले तो कमी है सोचो कि आपके पास पांच रुपए थे कोई आया कि मेरे को जरूरत है मेरे को चाहिए पैसे सपोज छोड़ो पांच रुपए नहीं बीस रुपए चालीस रुपए है ठीक अब किसी ने रोता हुआ आया कि मेरे को बहुत ज्यादा प्यास लगी है मुझे पानी पिला दो पानी पिला दो आपने उसको बीस रुपए दे दिए कि चल पी ले पानी चालीस रुपए थे बीस की बिसलेट की बोतल खरीद लेको दे दिया उस समय कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा उसने आपको इंसिस्ट किया और आपने कर दिया लेकिन अब है आपके पास केवल कितने बीस रुपए आपको भी पानी चाहिए और दूसरा व्यक्ति दौड़ता हुआ कि मेरी जान निकल जाएगी मुझे पानी पीना है आपको भी पीना है अब वो बहुत अपनी ऊर्जा लगाएगा 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 तब जाके आप उसे वो बीस रुपए चलो कि चलो मेरी जान तो नहीं निकल रही है पर इसकी तो जान ही निकल रही है तो मैं दे देता हूँ राइट तो इसमें ऊर्जा थोड़ी ज्यादा दी अब ये कह रहा है कि जैसे ही प्लस टू हुआ तो प्लस थ्री में जब जाएंगे तो वो और ज्यादा एनर्जी अब तो उसके पास बहुत कमी हो गई भाई अब नहीं कर सकता वो ये काम राइट तो अब इसकी ऊर्जा क्या हो गई तो देखो सबसे ज्यादा ऊर्जा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पर दूसरा और सबसे कम ऊर्जा पहला इलेक्ट्रॉन बात समझ में आ गई ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में इसीलिए मैंने इतना समझाया है तो फटाफट फटाफट बराबर जल्दी से उतारेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए ओके बेटा जल्दी 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 चले आई जी आगे कह रहा है आवर्त सारणी में आयनन जो एंथिलिपी होती है उसका बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है जिससे परमाणु त्रिजा और आयनिक त्रिजा में क्या था ऊपर से नीचे बढ़ती है बाएं से दाएं घटती है इसका मैंने रीजन भी बता दिया अब आयनन ऊर्जा में भी सिमिलरली है कि ऊपर से नीचे आएंगे तो आवर्त में जब अपन क्या करते हैं ऊपर से नीचे आते हैं एक तो ये आप से कलर भी नहीं चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है तो आयनीकरणी कम पूछो क्यों क्यों ऐसा क्योंकि क्या होता है जब अपन देखते हैं कि आयनीकरण एंथैल्पी होती क्या है आयन एंथैल्पी होती क्या है आयन एंथैल्पी में बाहतमक स्थै इलेक्ट्रोन को निकालना तो जब आकार बड़ा होता जाएगा तो नाभिक से अट्रैक्शन कम होता जाएगा और जैसे ही अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो थोड़ी सी ऊर्जा दी कि इलेक्ट्रोन बाहर हां या ना यस और नो जल्दी कमेंट में बताओ जल्दी-जल्दी बताओ मेरे गोपालो बातें बहुत करते हो बच्चों तुम बातें बाद में कर लेना यार तुम पहले पढ़ाई कर लो चलो जल्दी क्लियर बात समझ में आई तो आसानी से निकल जाता तो ऊपर से नीचे तो ऊर्जा कम जबकि बाएं से दाएं चाहे तो ऊर्जा ज्यादा क्यों क्योंकि आकार में कमी नाभिक से आकर्षण ज्यादा और आकर्षण ज्यादा की वजह से ऊर्जा भी ओके यस और नो ऊर्जा क्या चाहिए आकर्षण क्या होगा मिटा देते मेरे बच्चों को कहीं दिक्कत ना हो जाए आकर्षण क्या होगा कम ठीक है आकर्षण ज्यादा ऊर्जा ज्यादा आकर्षण कम ऊर्जा भी ओके okay, डन बात समझ में आ गई होगी क्लियर तो चलते हैं आगे फटाफट फड़ देखते हैं जल्दी से परिभाषा जल्दी से आप इसको उतारेंगे जिन्होंने जिस प्रकार समझा है उनको सब बातें क्लियर हो जाएंगी आइए वेरिएशन ऑफ आइनाइजेशन एंथेलिपी अलोंग ए पीरियड यानी कि बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि परमाणु भार बढ़ता है और परमाणु आकार घटता है है बाएं से दाएं, सही है? बाएं से से दाएं दाएं सही तो क्या हो रहा था आकार में कमी तो ऊर्जा में क्या होगी वृद्धि आकर्षण क्या होगा ज्यादा समझ आ गई सेकेंड ग्रुप के अकॉर्डिंग क्या होगा ऊपर से नीचे आयनीकरण एंथिलिपी जो है वो कम क्यों कम हो जाती है क्यों हो जाती है कम क्योंकि आकार में वृद्धि होती है आकर्षण कम होता है आकर्षण कम होने की वजह से क्या हो जाता है आकर्षण कम होने की वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं क्लियर यस और नो जल्दी बताएंगे जल्दी जल्दी उतारेंगे फटाफट फटाफट ओके तो अब चलते हैं मैं आगे अब ये कह रहा है किसी भी समूह के आयनीकरण में कमी के कारण निम्नलिखित कारकों का इफेक्ट होता है ऊर्जा के <coughs> अनकक्षकों में वृद्धि भाई ये कह रहा है कि जो आयनीकरण है उसमें कमी यानी आयनन जो ऊर्जा होती है उसमें कमी जब आती है तो वो उसका कारण हो सकता है आकार में वृद्धि राइट है और इलेक्ट्रॉनों की क्रमिक वृद्धि के कारण स्क्रीनिंग प्रभाव का इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है परिरक्षण प्रभाव देखो जरा ध्यान देना अपने पास अच्छा एक डायग्राम है यहां पर उससे ज्यादा समझ में आएगा तो मैं दिखा देती हूँ देखो ये रहा ये कह रहा है इसमें क्या समझा रहा है जरा ध्यान से देखो गौर से ये कह रहा है कि जब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं बाएं से दाएं ठीक है जब आप बाएं से दाएं जा रहे हैं तो उस समय क्या होता है परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ रही है वृद्धि वहीं जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं नीचे आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने पर ऊर्जा में क्या आती है कमी आती क्यों आती है क्योंकि आकार बढ़ेगा तब तो क्या होगा अट्रैक्शन कम होगा आसानी से रिलीज हो जाएगा राइट ये रहा आकार में वृद्धि तो ऊर्जा कम वहीं पर आकार यदि कम है तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी फटाफट उतारेंगे जल्दी से उतारेंगे ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए अब इसके अंदर इस इफेक्ट को मैं एक बार हटाऊं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है मैं जरा समझाती हूँ परिरक्षण प्रभाव परिरक्षण प्रभाव होता है जब किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों को के मध्य प्रतिकर्षण और बाह्यतम कोष और नाभिक के मध्य आकर्षण जब होता है ये तो है आकर्षण और ये है प्रतिकर्षण ठीक है तो इस आकर्षण को यह प्रतिकर्षण क्या कर देता है कम कर देता है और इसी कम करने की प्रक्रिया को परिरक्षण प्रभाव कहते हैं क्लियर बात समझ में आ गई किसी भी परमाणु के बायतम कोष के इलेक्ट्रॉन का नाभिक से आकर्षण जब बायतम और आंतरिक कोष के प्रतिकर्षण द्वारा कम हो जाता है तो उसे हम स्क्रीनिंग प्रभाव कहते हैं और उससे आकार में क्या आ जाती है कमी आ जाती है क्लियर इससे आकार में वृद्धि का कॉन्सेप्ट जो है वो डी ब्लॉक में लगता है वो मैं अलग से समझाऊंगी यहाँ पर आपको यही चीज समझ में आनी है ओके ओके चलिए जल्दी फटाफट चलते हैं अब आगे अब आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन क्या Anthelipi में क्या इलेक्ट्रॉन एंथिलिपी क्या होती है जरा देना कोई भी परमाणु है ठीक है है बिल्कुल इस परमाणु के बाह्यतम कोश में आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है क्या करना है जोड़ना गेन का मतलब ग्रहण करना ही तो है इलेक्ट्रॉन को जब जोड़ा जा रहा है इलेक्ट्रॉन को जब एड ऑन किया जा रहा है तो ऊर्जा का क्या होता है ऊर्जा का उत्सर्जन होता है क्या होता है बेटा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो क्या हमेशा ही होगा आपने एक जोड़ा दो जोड़ा तीन जोड़ा क्या सब में उत्सर्जन ही होगा या फिर आपको इलेक्ट्रॉन जब जोड़ना पड़ रहा है तो ऊर्जा सामने से देनी पड़ेगी क्या होगा क्या और कब तो इसी को डिस्कस करना है तो जल्दी से फटाफट देखते हैं जल्दी से ये किया इसको इरेज अब इसकी परिभाषा इलेक्ट्रॉन गेन एंथिलिपी वह ऊर्जा है एक इलेक्ट्रॉन को एक पृथक परमाणु में जोड़ा जाता है ठीक है अभी समझा दिया नकारात्मक आयन में परिवर्तन किया जाता है यानी कि नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट करते हैं इस प्रक्रिया को इस प्रकार भी समझ सकते हैं एक उदासीन परमाणु आपके समक्ष है एक इलेक्ट्रॉन दिया माइनस चार्ज और इसने क्या कर ली ऊर्जा को क्या किया इसने उत्सर्जित किया। 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 ऊर्जा का उत्सर्जन उत्सर्जन अवशोषण नहीं, ओके, बात समझ में आई या नहीं जल्दी बताओ तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि अधिकांश तत्वों के लिए इलेक्ट्रॉन हासिल करना नकारात्मक है उदाहरण के लिए हेलोजन के लिए इलेक्ट्रॉन लाभ बहुत अधिक नकारात्मक है क्योंकि वे एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके निकटतम गैस का यानी अक्रिय गैस का अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेता है यानी यू कहूं कि आपके पास क्लोरीन Cl है और ये क्लोरीन माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा क्या थोड़ी सी ऊर्जा को उत्सर्जित थोड़ी सी ऊर्जा का उत्सर्जन करते ही तुरंत क्या हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन तो कह रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करना क्योंकि एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करके वो इस विन्यास को बाद इलेक्ट्रॉन लाभ बहुत अधिक नकारात्मक है बात समझ में यानी कि माइनस चार्ज जो है वो अधिक पॉजिटिव एनर्जी देने वाला है चलो बात समझ में आ गई सभी बच्चों को तो अब ये कह रहा है आगे कह रहा है कि विपरीत कोई महान गैसों में बड़े सकारात्मक इलेक्ट्रॉन लाभ होते हैं क्योंकि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अगले उच्च प्रिंसिपल क्वांटम ऊर्जा के स्तर पर रखना पड़ता है जिससे अत्यधिक अस्थिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है जैसे अपने पास क्या है अगर अपने पास में एक नियोन है ठीक है अब इसमें अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा इसलिए आप ये ऊर्जा का उत्सर्जन करने के बजाय आपको इनको ऊर्जा देनी पड़ेगी राइट या यू भी कह सकते हैं यदि किसी का अष्टक पूर्ण हो क्या हो बेटा किसी का अष्टक पूर्ण हो और फिर आप उसको इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हैं उसमें तो उस समय आपको ऊर्जा उत्सर्जन के बजाय ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी अतिरिक्त ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी इसलिए ज़्यादा लाभकारी नहीं होती है इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अस्थिर हो जाता है बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा तो अब चलते हैं अपन इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस की ओर पहला क्वेश्चन निम्नलिखित आयनों की त्रिज्या का सही क्रम बताओ जल्दी बताओ ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही है मैं चार क्वेश्चन पूछ रही हूँ चारों के आंसर फटाफट आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे पहले का आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि सही आंसर अगली क्लास में बताऊंगी जब मैं आऊंगी पहले इनका आंसर आप चेक करो क्योंकि मैंने तो भी बता दिया है ना आपको किस तरह निकालना है यह आपके लिए क्वेश्चन है किसका सही क्रम होगा जल्दी बताना ठीक है ले लिया फटाफट 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 बताओ जल्दी 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 डी में से आंसर जल्दी क्लिक करो मैं क्लास में इनके आंसर दूंगी? अभी नहीं क्योंकि ये सब मैंने पढ़ा दिया। ये आपके लिए होमवर्क है सेकंड धनायनों की त्रिज्या का सही क्रम बताओ धनायन जितना ज्यादा उसकी त्रिज्या उतनी ही कम ये हिंट है ओके okay? फटाफट बताओ डी में से कौन सा है इन चार क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में आज कह रही हूँ आपके एग्जाम में एग्जिट मिलेगा जैसा होना चाहिए उतार लिया थर्ड निम्न में से किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है किसकी आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होगी बोरोन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन जल्दी बताओ जल्दी इसका आंसर बहुत इजी है बहुत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जिसका पूर्ण पूरित है अर्धपूरित है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा और जो वैसे ही उनकी ऊर्जा कम ओके राइट चलो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व तो कौन से ये तो सबको ही पता है इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी फटाफट इनके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना तभी मैं अगले क्लास में बता पाऊंगी आंसर वरना नहीं बताऊंगी ये आपकी ड्यूटी है योर ऑन ड्यूटी बेटा आपका खुद का भी कोई फर्ज है इसीलिए मैं क्वेश्चन के आंसर एक के भी नहीं बता रही हूँ आपको ये करना है ओके okay? अगर आप मुझे पूछ लोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी वरना नहीं अपना सबसे पहला टॉपिक है क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा अच्छा सभी बच्चे मुझे बताएंगे क्रमिक आयनन ऊर्जा क्या होती है जल्दी से कमेंट में लिखो फटाफट कि क्रमिक आयनन ऊर्जा क्या होती है जल्दी से लिख दो और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूंगी कि क्रमिक आयनन ऊर्जा होती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है फिर दूसरे को फिर तीसरे को लगातार जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस समय जो ऊर्जा ग्रहण की जाती है वो उसकी कौन सी ऊर्जा होती है आयनन ऊर्जा होती है यानी कि बेसिकली एक हाथ से दे रहे हैं तो एक हाथ से लेंगे ना वही कांसेप्ट है तो इलेक्ट्रॉन बनता ऊर्जा मैंने परिभाषा समझा दी थी वहां पर लास्ट क्लास में कि कभी भी अपन किसी भी परमाणु है अपने पास उस परमाणु के बाह्यतम कोश में जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया फिर तीसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ा गया तो जब अपन इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ते हैं तो उस समय जोड़ते वक्त आप जब दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन जब आप किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे ऊर्जा को क्या करेंगे उत्सर्जित करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो ऊर्जा का क्या होगा अवशोषण ये कॉन्सेप्ट होता है आयनन का और ये कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का शायद बात समझ में आ गई है सभी बच्चों को आ गई है तो फटाफट फटाफट जल्दी से यस मैम लिखेंगे जल्दी से ताकि क्लियर हो जाए इससे अच्छा, चलते हैं आगे आप सबसे पहले देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के बाद परमाणु ऋणात्मक रूप से आवेश हो जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित आयन में जुड़ना होता है यानी आपने क्या किया बेटा एक उदासीन परमाणु था उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जैसे ही जोड़ा तो जैसे सोडियम था सॉरी क्लोरीन था और क्लोरीन में आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो वो हो गया सीएल माइनस अब आप यदि इसमें वापस इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहे तो इस पर भी माइनस इस पर भी माइनस दोनों के बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण जब ये प्रतिकर्षण होता है तो उस समय इनमें क्या होता है ऊर्जा उत्सर्जित होने की बजाय अब क्या होगा उत्सर्जन कम होता जाएगा और उत्सर्जन कम होने की वजह से अब क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता है वो धीरे 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 घटती जाती है और यदि आपको इसको बढ़ाना है इलेक्ट्रॉन जोड़ना है जबरदस्ती तो अब आपको क्या करना पड़ेगा ऊर्जा देनी पड़ेगी हां या ना बात समझ में आई देखो लिखा है लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण द्वारा विरोध किया जाता है और इसीलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है इस प्रकार एक तत्व का दूसरे इलेक्ट्रॉन लाभ सकारात्मक होता है एक तत्व का दूसरे इलेक्ट्रॉन लाभ हमेशा क्या होता है सकारात्मक होता है यानी ऊर्जा की मात्रा क्या होती है ऊर्जा ग्रहण की जाती है ग्रहण करने का मतलब सकारात्मक और उत्सर्जित करने का मतलब नकारात्मक होता है बात समझ में आ गई तो फटाफट फड़ यस मैम लिख दीजिए जल्दी 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 जल्दी, जल्दी, जल्दी। यहाँ पर उत्सर्जन होगा तो यानी नकारात्मक प्रभाव होगा ऊर्जा में कमी आएगी क्योंकि ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है यही पर यदि वो ग्रहण करेगा तो ऊर्जा में सकारात्मक प्रभाव आएगा ओके प्यारे बच्चों चले आएगे जी, आएगे, आप चलते हैं आगे। उदाहरण के लिए जब आयन बनाने के लिए ऑक्सीजन परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाता है तो ऊर्जा निकलती है लेकिन O2- O2- आयन बनाने के लिए O- आयन में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ना है सही है तो नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए हैं जीरो आयन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच मजबूत प्रतिकर्षण को दूर करने के लिए ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है इस प्रकार पहला इलेक्ट्रॉन लाभप्रद होता है कैसे कह रहा है जरा ध्यान दो जैसे ये ऑक्सीजन परमाणु है ठीक है ये O2 है अब आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो ये बन गया O2 माइनस अब आपने फिर से इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये बन गया ओ टू माइनस टू यस और जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ यानी ओ टू में एक इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा तब तो ऊर्जा का क्या हुआ उत्सर्जन हुआ ठीक है कह रहा है ना ये ऊर्जा निकलती है उत्सर्जन हो गया लेकिन जब ओ टू माइनस आयन बनाने के लिए आयन में एक और इलेक्ट्रॉन जोड़ा जाए तो नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए आयन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा? अब इस पर भी minus, इस पर पर भी भी दोनों के बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण अब यदि आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ना है फिर भी तो अपने को क्या करना पड़ेगा ऊर्जा देनी पड़ेगी अब ऊर्जा का क्या होगा अवशोषण होगा हाँ या ना बोलो जी बोलो तो इस प्रकार पहला इलेक्ट्रॉन लाभ ऊर्जा क्या होगी नकारात्मक और यहाँ ऊर्जा होगी सकारात्मक बात समझ में आ गई तो फटाफट फटाफट जल्दी से लाइक कर दो और जल्दी से कमेंट में लिख दो यस मैम इससे अच्छा क्लेरिफिकेशन नहीं होगा और आपको इतना भी नहीं रखना है तो आप हमेशा इतना ध्यान रख लेना कि एक इलेक्ट्रॉन बनता मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन ही होता है लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लाते हैं तो प्रतिकर्षण के कारण ऊर्जा उत्सर्जन उत्सर्जन कम, कम तो कम तो क्या बढ़ेगा अवशोषण अब तो क्लियर अब कोई डाउट नहीं है चलो आ जाओ देखो इसने लिखा है ओके पहले मैं इरेज कर दू स्लाइड को थोड़ा सा आ जाओ देखो पता चल जाएगा अभी ये क्या कहना चाह रहे हैं ओके चले आइए जी आइए ये कह रहे हैं क्या बेटा देखो ये लिख रहे हैं ओ से एक इलेक्ट्रॉन ओ नेगेटिव बन गया ओ नेगेटिव में इतनी ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ सॉरी अवशोषण हुआ उत्सर्जन सॉरी सॉरी उत्सर्जन क्या हुआ ऊर्जा का ध्यान देना उत्सर्जन पहले तो तो जोड़ रहे हो तो उत्सर्जन उत्सर्जन होगा। का मतलब ऋणात्मक निशान लग गया नकारात्मक हो गया अब यहां पर क्या हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस में है ना इसका मतलब क्या हो रहा है प्लस में है तो यहाँ पे क्या हो रहा है अवशोषण यानी ऊर्जा में लाभ हो रहा है बात समझ में क्यों क्योंकि या माइनस या माइनस क्या हो रहा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा नहीं एनर्जी इज क्लियर बात समझ में धनात्मक है ऊर्जा का मान तो वहां हो रहा है अवशोषण ऋणात्मक ऊर्जा का मान यानी उत्सर्जन ओके ऋणात्मक मान लगातार बढ़ रहा है उत्सर्जन बढ़ रहा है यानी आसानी से क्या हो रही है इलेक्ट्रॉन जुड़ने की क्षमता बढ़ रही है आइए चलते हैं हैं, आगे। अब जब आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हैं, तो आप इस पर इसको प्रभावित करने वाले कारक देखो जैसे यदि आकार बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन गेन एनथिलिपी में क्या परिवर्तन आएगा क्या एनर्जी बढ़ेगी प्लस में या फिर माइनस में होगी क्या फैक्टर्स होंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं तो अपन देख ले एक बार तो देखो जरा फर्स्ट है परमाणु आकार जरा ध्यान देंगे बच्चा पार्टी कि अपन देखते हैं बेटे कि परमाणु का आकार बढ़ता है राइट जब आपने देखा हाइड्रोजन ठीक है लिथियम सोडियम ठीक है पोटेशियम है ना धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि आकार में वृद्धि हो रही है नाभिक से बाह्यतम कक्ष की दूरी जो है वो क्या हो रही है बढ़ रही है दूरी लगातार बढ़ रही है नाभिक और बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी बढ़ रही है राइट तो बढ़ दूरी बढ़ने से आकर्षण क्या हो रहा है कम हो रहा है आकर्षण कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो जुड़ना है उसकी प्रवृत्ति कम हो रही है तो अब ऊर्जा का मान क्या होगा पॉजिटिव होगा यानी अब ऊर्जा क्या होगी अवशोषित होगी या ना यानी अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार बढ़ता है कि नहीं जल्दी बताओ जल्दी यस आकार बढ़ता है तो ऊर्जा क्या होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथलिपी होती क्या है वो होती है नेगेटिव लेकिन ये हो रही है पॉजिटिव तो इसका मतलब उसमें क्या आती है नेगेटिविटी जो है वो उसका मान घट रहा है और पॉजिटिव ऊर्जा का मान बढ़ रहा है ओके okay? कंफ्यूज नहीं होना इतना ध्यान रखना ऊपर से नीचे आने पर ऊर्जा का अवशोषण होता है उत्सर्जन कम होता है ठीक बात है बात समझ में आई यानी क्या होता लिखा है ना यहाँ जुड़ेंगे तो ऊर्जा क्या होता है ऊपर से नीचे आने पर और शोषण का मान बढ़ता है उत्सर्जन का मान घटता है क्लियर फटाफट उतारेंगे जल्दी से इस क्रम को उतारेंगे बेटा ताकि बात अब बाएं से दाएं क्या होगा जल्दी से बता दो जल्दी कमेंट में लिख दो फटाफट 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 फट, फट, जल्दी आइए जी अब ये कह रहा है नाभिकीय ना आवेश नाभिकीय आवेश धीरे-धीरे क्या होगा कम आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल नाभिकीय आवेश में वृद्धि से तो आकर्षण बल बढ़ेगा और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन लाभ अधिक नकारात्मक होगा हाँ या ना अधिक नकारात्मक क्यों होगा सुनो मेरी बात अगर आपके पास आकार में यह आकार था ठीक है फिर धीरे धीरे आकार में क्या आ रही है धीरे धीरे आकार में क्या आ रही है कमी आ रही है नो yes no? आकार में कमी आ रही है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा हा या ना इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उत्सर्जन होगा उत्सर्जन होगा तो क्या होगा नेगेटिव ऊर्जा होगी हाँ या ना तो नकारात्मक ऊर्जा का मान क्या होगा जल्दी बताओ बढ़ेगा या नहीं यस बिल्कुल तो बाएं से दाएं जाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा का मान जो ऋणात्मक है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा अधिक नकारात्मक होता चला जाता है क्लियर बात समझ में आ गई फटाफट उतारो जल्दी उतारो जल्दी ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको क्लियर कर देंगे हर वो डाउट जो आपके दिमाग में अब तक था ओके okay? चलते हैं आगे अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की समरूपता इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है अगर विन्यास की आप बात करें तो अपन देखते हैं कि सम्मित विन्यास वाले परमाणु एक ही उपकोश में पूर्ण रूप से भरे या आधे भरे हुए होते हैं तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को लेने का कोई आग्रह नहीं होता है क्योंकि उनका कॉन्फ़िगरेशन अस्थिर हो जाता है सही है जैसे वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी थ्री है ना जैसे कि वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री सेवन हो गया राइट ऐसे ही अपन लिख सकते हैं वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी थ्री एना राइट वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स अब इनके देखो बाह्यतम कक्ष में देखो ये बाह्यतम कक्ष है इसके बाह्यतम कक्ष में पूर्ण पूरित है और ये अर्ध पूरित है. हाँ या ना अब आप बताओ कि अपन इनको इलेक्ट्रॉन दें यदि अपन इनको इलेक्ट्रॉन दे तो ये अस्थिर नहीं हो जाएंगे हाँ या ना तो ये अस्थिर होना चाहेगा कोई भी व्यक्ति जो अच्छे से घर में रह रहा है आराम से जॉब कर रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं फिर उसे आप कहो कि जाके वो कोई काम करे है ना या अपन उसे कहे कि आपको कोई हार्ड वर्क करना है तो वो कहेगा भाई मैं तो मेरी आराम जिंदगी जी रहा हूँ क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो वो आपका विरोध करेगा करेगा या नहीं तो उस समय यहाँ पर ऊर्जा का उत्सर्जन होने की बजाय ऊर्जा का क्या ऊर्जा का उत्सर्जन होने की बजाय उत्सर्जन की बजाय क्या होगा उत्सर्जन की बजाय क्या होगा अवशोषण होगा यस और नो जल्दी बताओ जल्दी बताओ अवशोषण होगा या नहीं होगा बिल्कुल क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा हम जबरदस्ती इसका क्या करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं ठीक बात बात समझ में आ गई तो फटाफट जल्दी से यस मैम लिख दो चले अस्थिर हो जाता है ओके जी ओके अब चलते हैं अपन आगे अब देखो ये कह रहा है उस स्थिति में ऊर्जा की आवश्यकता होगी इलेक्ट्रॉन लाभ एंथिलिपी डेल एच सकारात्मक यस yes और नो, no? पॉजिटिव ऊर्जा उदाहरण के लिए महान गैस गैस तत्वों में सकारात्मक इलेक्ट्रॉन लाभ होता है इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा और ऊर्जा भी बढ़ेगी दोनों में सकारात्मक हो गया वहां इलेक्ट्रॉन में लाभ होता है लेकिन ऊर्जा में उत्सर्जन की वजह से कमी हो जाती है क्लियर बात समझ में आ गई तो फटाफट जल्दी से यस मैम लिख दो ये सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पर आपके लिए इसीलिए इन शॉर्ट फॉर्म सब कुछ कहते हैं एक लाइन में हजारों शब्दों का अर्थ छुपा है वही करने की कोशिश कर रही है ओके बच्चों फटाफट लिखेंगे जल्दी से चलते हैं आगे एक अवधि में इलेक्ट्रॉन लाभ एंथलिपि में परिवर्तन एक अवधि में परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन लाभ एंथिलिपी अधिक नकारात्मक हो जाती है जब आप पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो माइनस में वृद्धि होती है वहीं पर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं जोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज में ऊर्जा में वृद्धि होती है जल्दी से इसको उतारेंगे ताकि बात क्लियर हो जाए हाँ या ना जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट 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 चले जी आगे आ जाइए आप देखो क्या कह रहा है एक समूह में इलेक्ट्रॉन लाभ एंथिल परिवर्तन जब हम किसी समूह में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लाभ कम हो जाता है अच्छा अवधि आवर्त और समूह ऊपर से नीचे बाएं से धीरे धीरे नीचे आ तो इलेक्ट्रॉन जुड़ना कम ऊर्जा का उसे प्लस में ऊर्जा और यहाँ माइनस में ऊर्जा अभी मैं चार्ट में तुम्हें दिखाऊंगी रहा ठीक है सामने आपको एक इमेज दिखाई दे रही है बिल्कुल ऊपर से नीचे देखो ऊपर से नीचे जल्दी 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 ऊपर से नीचे देखो नेगेटिव चार्ज किसमें कन्वर्ट हो रहा है ऊपर से नीचे जल्दी 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 पॉजिटिव और बाएं से दाएं नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे हैं यस yes और नो no? लिथियम हाइड्रोजन हीलियम पॉजिटिव आ गया देखो है ना लिथियम माइनस में बढ़ रहा है ओके okay, माइनस में अब ये प्लस में क्यों है क्योंकि यहां पर ये क्या है पूर्ण पूरित है पूर्ण पूरित है इसलिए इलेक्ट्रॉन जब जो आप जोड़ेंगे तो ऊर्जा उत्सर्जन की बजाय अवशोषण होगा यहां पर देखो माइनस में यानी कि आसानी से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है पता है क्यों जुड़ रहा है क्योंकि इन सब में P5 है सबके अंदर क्या है P5 है आप चाहें तो चेक कर सकते हैं P5 है ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा पी सिक्स वो पूर्ण पूरित हो जाएगा और जैसे ही वो पूर्ण पूरित हो जाता है वो स्थायी हो जाता है इसीलिए वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा फटाफट ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो ले जा ले जा मेरे को तो इलेक्ट्रॉन दे दे मैं स्थायी हो जाऊंगा होता है ना जैसे अपने पास दस रुपए की अपने को कोई चीज लेनी है खरीदनी है है ना सोचो सपोज करो एक पेंसिल खरीदना है आपके पास चार रुपए पांच रुपए की पेंसिल आनी है तो एक रुपये यदि आपको कोई कह दे कि मेरे को दे दे लेकिन तो इसके बदले में ये लूंगा तो आप ले ले जा दे, ले जा एक दे मेरे को रुपया चाहिए क्योंकि तो स्टूडेंट की जो सबसे बड़ा हथियार है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है वो है एक का। सही है एक जो पेन है वो कलम में इतनी ताकत है कि वो दुनिया को बदल सकता है इसीलिए आप मेरे बच्चे जो भविष्य को बदलेंगे वही आपके हाथ में पकड़ी हुई कलम है ओके तो चलिए चलिए बात समझ में आ गई होगी इसका मीनिंग डाटास के साथ यदि पढ़ाया जाए तो कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा हो जाता है इसीलिए मैं तुम्हें ये डाटास के साथ बता रही हूँ कि ये वैल्यू जो है आपको प्रॉपरली बता रही है कि हमें धीरे धीरे माइनस में कमी यानी प्लस की ओर बढ़ रही है देखो प्लस की ओर बढ़ रही है ओके okay, बात समझ में आ गई यस और नो जल्दी से कमेंट में लिखेंगे ताकि बात समझ में आ जाए चलें जी चलें ओके जी ओके आइए जी अब आता है अगला टॉपिक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका नाम है विद्युतीय ऋणात्मकता बेटा क्या होता है विद्युतीय ऋणात्मकता क्या होती है जरा ध्यान से सुनना किसी भी परमाणु के नाभिक द्वारा दूसरे परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करना किसी भी परमाणु के नाभिक द्वारा कोई परमाणु है इस परमाणु का नाभिक नाभिक द्वारा दूसरे परमाणु के बाह्यतम कोष के बाह्यतम कोश के, के इलेक्ट्रॉन को क्या करना आकर्षित करना आकर्षित करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं जल्दी बताओ आकर्षित करने की क्षमता को ही हम कहते हैं विद्युत ऋणता जैसे आकार जिसका जितना छोटा उसका नाभिक का अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा आकार जितना बढ़ा उसके इलेक्ट्रॉन का दूसरी ओर जाना उतना ही इजी हो जाता है हाँ या ना जैसे कोई भी नाभिक का आकार छोटा है तो ये दूसरे परमाणु का यदि बड़ा आकार है तो उसे फटाफट अपनी ओर आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा यस और नो जल्दी बताओ बिल्कुल जी बिल्कुल तो इसीलिए कहते हैं कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा उनका आकार बड़ा जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम उनका आकार छोटा होता है इसीलिए वो नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं आकर्षित करते हैं इसी स्थिति को हम कहते हैं क्या बेटे विद्युत ऋणात्मकता जल्दी बताओ जल्दी किस किस को समझ में आ गया फटाफट यस मैम लिख दें मैं देखती हूँ कई बच्चे कह देते हैं कि मैम पता ही नहीं चल रहा है कौन सा चैप्टर है अरे बेटा मैं क्लास स्टार्ट होते ही बता रही हूँ कि ये आपका कौन सा चैप्टर है तीसरा चैप्टर है इसका लेक्चर कौन सा है फोर्थ लेक्चर है वैसे भी जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो स्क्रीन पर वो लिखा हुआ भी आता है कि लेक्चर नंबर कौन सा है चैप्टर नंबर कौन सा है तो थोड़ा सा सजग हो जाओ ताकि चीजें क्लियर हो जाए आपको पता है ना इलेवेंथ क्लास में टोटल फोर्टीन चैप्टर है तो थोड़ा सा स्पीड लो ताकि आपका हाफ ईयरली तक का सिलेबस जल्दी पूरा हो जाए और ईयरली का तो दिसंबर तक करवाना ही है ओके 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 तो जल्दी जल्दी चलो फटाफट फटाफट डन उतार लिया आइए चलते हैं विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है इलेक्ट्रॉनों को खुद को आकर्षित करने के लिए एक रासायनिक परिसर में एक परमाणु की क्षमता का गुणात्मक माप को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है आयनीकरण के विपरीत और इलेक्ट्रॉन हासिल एंथेलिपी के विपरीत यह एक औसत दर्जे की मात्रा नहीं है हालांकि तत्वों की विद्युत गुणात्मकता के कई पॉलिंग स्केल, स्केल, स्केल विकसित किए गए हैं किसी दिए गए तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्थिर नहीं है यह उस तत्व के आधार पर भिन्न होता है जिसके लिए वह बाध्य है क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरी लाइनों में यही बताया गया है कि एक परमाणु जब दूसरे परमाणु की तरफ आकर्षित हो रहा है यानी एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है जितना फोर्सफुली वो अट्रैक्ट कर रहा है उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्लियर यस और नो चलते हैं आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आमतौर पर बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है हाँ या ना क्योंकि आकार में कमी आती है राइट देखो बाएं से दाएं जाने पर बढ़ रही है क्योंकि आकार में क्या आती है कमी वहीं ऊपर से नीचे आने पर आकार में क्या होती है वृद्धि तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे 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 घटती चली जाती है क्योंकि आकार बढ़ेगा तो नाभिक से दूरी बढ़ेगी नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना संभव नहीं है नहीं है नहीं है बात समझ में आई आप देख सकते हैं यहाँ जो डाटा लिखे गए हैं वो इस बात को फुलफिल कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किस तरफ बढ़ती है किस तरफ जाती है पॉलिंग स्केल जो है उसके आधार पर बताया गया है राइट बात समझ में आई फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडिन चार तीन दो दो, दो राइट धीरे धीरे क्या हो रही है घट रही है फटाफट उतारो बेटा ये आपको इतना ज्यादा हेल्प करेगा आप खुद सोचेंगे कि रियली really हमें ये चीजें क्लियर हो चुकी है चलो आगे देखो जल्दी है ना बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रही है बढ़ती है और ऊपर से नीचे आने पर घटती है क्लियर बात समझ में आ गई हाँ या ना जल्दी 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 अच्छा ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा भी क्या होती है घटती है बढ़ती है जल्दी बताओ आयन ऊर्जा घटती है हाँ या ना की वो आसानी से क्या होता है बाहर निकलते जाता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का नेगेटिव मान जो है वो धीरे धीरे क्या होता है घटता है और पॉजिटिव मान बढ़ता है क्लियर ये सब बातें इन शॉर्ट लिख लेना बेटा लिख लेना ताकि बातें क्लियर हो जाए चले आइए जी जो आपके पीरियडिक टेबल है उसमें ये किस प्रकार से पीरियड्स में किस तरह से होते हैं वो देख लेते हैं तो कहा धातु वर्ण धातुएं जो होती हैं उनमें बाएं से दाएं जाने पर कमी आती है हाँ या ना चरम बाएं से दाएं बाएं तरफ चार धातुओं पर अधिकतम अवधि में कमी राइट right? गैर धातु एक अवधि के साथ वृद्धि बाएं से दाएं ऑक्साइड की मूल पर किसी अवधि में बाएं से दाएं जाने पर घटना ये याद रखनी है बातें सभी को और ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति अम्लीय गुण कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ और अधातु जब धातु जुड़ता है तो क्षारिय अधातु जुड़ती है तो वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करती है बाईस आदया बढ़ती है ना एक समूह के नीचे जाने पर आमतौर पर बढ़ जाती है क्योंकि परमाणु आकार में वृद्धि इसीलिए ऊपर से नीचे की ओर जो आयनिक ऊर्जा होती है उसमें कमी होती है सही है कि गलत जल्दी बताओ जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी बता दो फटाफट बता दो आयनिक ऊर्जा में क्या होता है यही है ऊपर से ये कमी है रहे। आसानी से क्या हो जाता है बाह्यतम कक्ष से इलेक्ट्रॉन निकल है? जाता है चलो आइए गैर धातु है ना ए धातु जैसे आमतौर पर एक समय कम हो जाता है जैसे किसी समूह के तत्वों की विद्युत अपघटनी ऊपर से नीचे की और घटती है धात्विक गुण घटेगा अधात्विक गुण बढ़ेगा ऐसे दाएं जाने पर ओके ऑक्साइड की मूल प्रवृत्ति धातु के साथ जब आता है तो एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है इसीलिए ऑक्सीकरण की मूल प्रवृत्ति स्वभाविक रूप से बढ़ जाती है मूल प्रवृत्ति यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है ऑक्साइड प्रवृत्ति वही होती है जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो ऊपर से नीचे यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है बढ़ती है क्यों बढ़ती है क्योंकि आकार बढ़ता है अट्रैक्शन कम होता है तो वो आसानी से क्या हो जाते हैं निकल

बिल्कुल क्लियर हो गई बात आ जाइए चलते हैं आगे धातुओं है? की वृद्धि हाँ हाँ तभी तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है लेकिन बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है जब वो ग्रहण करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है ठीक है ये बात तो समझा दी है मैंने कोई इश्यू है ही नहीं <Daskopatuk> गैर धातुओं की प्रतिक्रिया यानी कि अधातुओं की प्रतिक्रिया समूह में कमी होती है अधातुओं की विद्युत ऋणात्मकताओं की प्रतिक्रिया अधिक होती है बाएं से दाने पर धात्विक गुण बढ़ता है कि अधात्विक जल्दी बताओ कमेंट में फटाफट 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 जल्दी 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 हाँ या ना जल्दी बताओ यस बिल्कुल सही ऊपर से नीचे आने पर हम देखते हैं कि आपके पास में क्या ऐिक गुण ऊपर से नीचे तो घटता है बाएं से दाएं गुण बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की बढ़ती है और एक समय में गैर धातुओं की ऊपर से नीचे घटती है इसीलिए प्रतिक्रियाशीलता क्रियाशीलता घटती है से दाएं बढ़ती है चले हाँ या ना? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ फटाफट कमेंट में लिखो अरे लिख दो भाई बात बाद में कर लेना बहुत थोड़ी सी शांति रखो शांति ठंडे रहो ठंडे फिर बातें करना इधर ये आंटी ने क्या किया फ्रांस वाली आंटी ने क्या किया ये सब बाद में बातें करेंगे अभी पढ़ाई पे ध्यान दो है ना शहर में क्या हुआ है हैं नहीं करो भाई ये सब बातें बाद बाते में करना यहाँ नहीं चलो आ जाओ प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियडिक एलिमेंट यानी कि जो त्रियक संबंध है वो आपका जो विकर्ण संबंध है वो दूसरा जो आपका आवर्त है उसके अंदर वो किस तरह से संबंध प्रदर्शित करता है आओ जी आओ समूह और आवर्त में संबंध देखते हैं लिथियम बेरिलियम समूह तेरह से सत्रह में फ्लोरीन प्रत्येक समूह का पहला तत्व उनके संबंधित समूहों के अन्य सदस्यों से कई मामलों में अलग है जैसे अपने पास तत्व है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोनशियम बेरियम और रेडियम ठीक है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबीडियम सीजियम है ना अब वहीं पर यहाँ आता है बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, इंडियम और थेलियम अब ये कह रहे हैं कि इनके विकर्ण संबंध है परस्पर है ना एल्यूमिनियम सोडियम मैग्नीशियम लिथियम इनके तिरछे संबंध है तो कहा कि अन्य क्षार धातुओं के विपरीत लिथियम और अन्य क्षारीय मृदा धातुओं के विपरीत बेरिलियम फार्म यौगिक में महत्वपूर्ण चरित्र होता है इन के अन्य सदस्य पूर्ण आयनिक यौगिक बनाते है इनका विकर्ण जो संबंध है वो क्या प्रदर्शित करता है तिरछा गुण क्यों अपने ही वर्ग से समानता दिखाओ ना भाई दूसरे के साथ क्यों वो कहावत नहीं है दूसरे की थाली में तो घी जाया दिखता है वो स्थिति इनकी अपने को छोड़कर दूसरे के साथ मित्रता कर रहे अरे घर में ही जब कज़न्स अच्छे हो तो उनसे बाहर से ज्यादा घर वाले पे विश्वास करो पर इनमें भी वही कमी है ये भी तो वही कमी दर्शा रहे हैं अपने आवर्त को छोड़कर अपने वर्ग को छोड़कर दूसरे वर्ग के तत्व के साथ विकर्ण संबंधित प्रदर्शित कर रहे हैं तो आइए देखा गया कि दूसरी अवधि में कुछ तत्व तीसरे समूह के तत्वों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं और अलग अलग समूह से संबंधित होते हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं एक दूसरे के तिरछे रखे गए तत्वों में समानता विकर्ण संबंध कहलाता है राइट जैसे कि अपन देखें अपने पास कोई भी तत्व है तो अपन देखते हैं कि अपने पास मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम है तो ये तत्व जो तिरछा संबंध दिखा रहे हैं बेरिलियम एल्यूमिनियम है राइट जबकि बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ संबंध दिखाना चाहिए पर वो एल्यूमिनियम के साथ दिखा रहा है राइट लिथियम मैग्नीशियम के साथ संबंध दिखाना चाहिए लिथियम सोडियम के साथ दिखाना चाहिए पर मैग्नीशियम के साथ दिखा रहा है ऐसा क्यों है तो वो विकर्ण है तिरछा संबंध होने की वजह से इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनका जो आकार है इनके जो इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की जो क्षमताएं हैं वो लगभग लगभग समान होने की वजह से इनके गुणों में भी क्या आ जाती है समानता आ जाती है इसलिए ये प्रकार का विकर्ण संबंध प्रस्तुत या क्या करते हैं दिखाते है बात समझ में आ गई बात क्लियर हो गई तो फटाफट देखते हैं अब ये आपका जो टॉपिक था ये क्लियर हो चुका है हमने क्या-क्या पढ़ लिया है हमने पढ़ लिया है आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक फिर हमने आयनन ऊर्जा नहीं सॉरी इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक हो गए क्रमिक इलेक्ट्रॉन बंधुता हो गई साथ में हो गई विद्युत ऋणात्मकता और लास्ट टॉपिक जो था वो था विकर्ण संबंध जो भी क्लियर हो चुका है तो अब आपका ये चैप्टर भी इसी के साथ कंप्लीट होता है अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस राइट right? तो आ जाइए पहला क्वेश्चन प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम क्या है जल्दी से कमेंट में बताओ यानी कि प्रथम आयनन ऊर्जा सबसे आसानी से कौन से आएगा और सबसे ज्यादा ऊर्जा लेकर कौन से आएगा तो जल्दी से कमेंट में बताओ ए बी सी में से कौन सा राइट आंसर होगा जल्दी 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 फटाफट फड़ बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे तो जल्दी से आंसर बताएंगे ये रहा रहा कमेंट वेरी 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 गुड 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 सभी का आंसर आ रहा है वेरी बेटा वेरी गुण, वेरी गुण, ऐसे जुग जुग जियो मेरे लाल सेकेंड इज अ राइट आंसर क्लियर बात समझ में आ गई होगी चेक करो क्या है ये बेरिलियम बोरॉन लिथियम लिथियम क्या होता है लिथियम परमाणु क्रमांक तीन बेरिलियम परमाणु क्रमांक चार बोरॉन पांच कार्बन इन सब में क्या आ रहा है एस वन, टु एस टु, टु पी। अब एक तो ये भी तो है ना फिर इनको मिटाओ फिर इनको बताओ है इधर ही ले लेते हैं सीधा वन एस टू टू एस टू वन एस टू टू एस टू टू पी वन ठीक है वन एस टू टू एस टू टू पी टू राइट अब ये कह रहा है आयनन ऊर्जा पहली आयनन ऊर्जा यानी कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये स्थिर हो जाएगा हाँ या ना तो ये सबसे ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा सबसे कम स्थाई तो लिथियम होगा सब में लिथियम है सेकेंड पे आओ बेरिलियम बेरिलियम पूर्ण पूरी है ये नहीं देगा इसको तो ऊर्जा चाहिए हाँ या ना और अब बात करें तो अपन कार्बन की तो कार्बन के पास भी क्या है ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा देने की बजाय ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ जल्दी एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या हो जाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन जैसे ग्रहण करेगा तो और दुपुरित हो जाएगा इसलिए इसको सबसे ज्यादा हो जाए ये भी कहेगा नहीं दूंगा तो फिर ये होगा उसके बाद ये ये तो बेचारा है ही तो एक दे देगा इलेक्ट्रॉन देते ही क्या हो गया स्थिर हो गया तो इसके बाद में एक नंबर फिर दो नंबर फिर तीन नंबर और ये चार नंबर आंसर इज राइट सेकंड पी ओके बात समझ आ गई तो फटाफट फटाफट आंसर लिखेंगे जल्दी से ओके आइए निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा है मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक बारह बेरियम मुझे तो पता नहीं है बेरिलियम और रेडियम. जल्दी बताओ. कैसे आते हैं ये ऊपर से नीचे जल्दी से इसमें तो पता होना चाहिए भाई मुझे नहीं पता आप बताएंगे आंसर जल्दी जल्दी जल्दी. मैं टेन गिर रही थी. वन टू थ्री फोर अरे चुप हो जाओ टाइम जा रहा है फाइव सिक्स चुप 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 छिक्स हो गया सेवन एट नाइन टेन टाइम ओ वो आंसर वेरी गुड फोर्थ सभी बच्चों का राइट आंसर है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ओके चले जी चले वेरी गुड चलिए आगे अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बनता अधिकतम होगी किसकी इसका रीजन आप बताएंगे आंसर में बताई जा रही हूँ क्लोरीन आंसर इसका रीजन आप बताओ आंसर मैंने बताया रीजन आप बताइए जल्दी क्योंकि बंधुता को मैंने बहुत अच्छे समझाया है बताओ जल्दी कमेंट में रीजन क्या है क्लोरीन क्यों है जल्दी 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 लास्ट इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजेंगे मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी इस इज होमवर्क फॉर यू ओके जल्दी बताइए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इसका आंसर आप मुझे भेज सकें और लास्ट क्लास में जो चार क्वेश्चन दिए थे उनके आंसर भी मुझे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में जाकर के होमवर्क में से ले लेना और आंसर भेज देना मैं कमेंट जब देखूंगी तो मुझे पता चल जाए कौन कौन बच्चा आंसर कर रहा है बेटा इधर उधर की बातें नहीं करो पढ़ाई पे ध्यान दो ताकि बात क्लियर हो जाए ओके तो जल्दी से जल्दी फटाफट सभी आंसर्स लिखेंगे क्वेश्चन जो मैंने बताए वो करेंगे तीन चैप्टर क्लियर हो चुके हैं चौथा चैप्टर हम आगे अगली क्लास में शुरू करेंगे उससे पहले तीनों क्लास का जो, जो टॉपिक्स मैंने जितने भी पढ़ाए हैं वो सब आगे क्लियर होने चाहिए और लास्ट तक सारे क्लास देखा करो नोट्स बनाया करो जब तक मैं नेक्स्ट क्लास में आती हूँ तब तक सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेना जहाँ डाउट है वहां पूछ लेना लेकिन पढ़ते रहो बेटा ओके थैंक यू